हेलो डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आई होप यू आर डूइंग वेल एंड एंजॉयिंग योर स्टडीज इजंट इट माय नेम इज एनजो एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर और उसकी एसिडिटी में क्या रिलेशन होता है प्रीवियस वीडियो में हमने एसिड और बेस के डिफरेंट थ्योरीज को कंसिडर करा था साथ में हमने ये भी देखा था कि के ए के बी या फिर पी के ए पी के बी वैल्यू क्या होती है और इन वैल्यूज को हम किस तरह से एसिड और बेस के साथ कोरिलेट कर सकते हैं तो बेसिकली आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उन फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे जो किसी कंपाउंड के ए को इफेक्ट करते हैं नंबर वन कंपेयरिंग डिफरेंट एलिमेंट अब मान लीजिए हमारे पास दो एसिड है एक को हम एच ए मान रहे हैं दूसरे को हम एच ए डैश मान रहे हैं यहाँ पर ए और ए डैश डिफरेंट एलिमेंट है यानी कि हम उन दो एसिड का कंपैरिजन कर रहे हैं जिसमें एसिडिक एच डिफरेंट एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में हमको ये देखना है ये जो डिफरेंट एलिमेंट है ये प्रोडिक्ट टेबल में सेम कॉलम में प्रेजेंट है या फिर सेम रो में प्रेजेंट है सबसे पहले हम बात करते हैं उन कंपाउंड्स की जिनमें उनका एसिडिक एच या प्रोटोन जो है वो ऐसे एटम से जुड़ा हुआ है ये एटम आइटम टेबल के सेम कॉलम से रिलेटेड होते हैं एग्जाम्पल नंबर वन इस एग्जाम्पल में हमारे पास चार कंपाउंड दिए गए हैं और इन चारों कंपाउंड का जो एसिडिक हाइड्रोजन है, है या प्रोटोन है वो ऐसे एलिमेंट से जुड़ा हुआ है और ये सभी एलिमेंट टेबल के सेम कॉलम में प्रेजेंट होते हैं तो इन चारों कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं पहला तरीका है इन चारों की बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करके जैसे एच में जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन के 1s और फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के बीच में होता है इसी तरीके से जो एच में बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन के 1s और आयोडीन के फिफ्थ के बीच में होता है या हम ऐसा कह सकते हैं कि एच के बीच का ये जो बॉन्ड होता है ये स्मॉलर होता है जबकि एच और आई के बीच का ये बोन लार्जर होता है और लार्जर बोन को तोड़ना आसान होता है इसका मतलब ये हुआ इन चारों कंपाउंड में एच एफ के बोन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जबकि एच आई के बोन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी और कम एनर्जी में जब एच आई का बोन टूटेगा तो इससे जल्दी एच पॉजिटिव रिलीज होगा यानी इस कारण से इन चारों में एच आई स्ट्रोंगर एसिड होगा और एच एफ वीक एसिड होगा इसका दूसरा मेथड यह है कि इन चारों कंपाउंड में से प्रोटोन यानी एच पॉजिटिव को रिलीज करके इनके कॉन्जुगेट बेस को बना लेते हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने ऐसा देखा है कि अगर किसी भी एसिड acid में एसिडिटी कंपेयर करनी है तो उसमें हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुकेट बेस कंसिडर करेंगे क्योंकि कॉन्जुकेट बेस की स्टेबिलिटी एसिडिटी यानी कि ए वैल्यू के प्रोपोर्शनल होती है जितना ज़्यादा कॉन्जुकेट बेस स्टेबल होगा उतना ज़्यादा उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ होगी और जितना ज़्यादा के होगा उतना कम उसका पी के वैल्यू हो जाएगी इसका मतलब ये है अगर इन चारों में से जो कंजुकेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा उसका एसिड ज़्यादा स्ट्रोंग होगा अब यहाँ पर स्टूडेंट्स में क्या कन्फ्यूजन हो जाता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन चारों में सबसे ज्यादा है इसलिए फ्लोरीन इस नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा अच्छे से होल्ड कर पाएगा तो इन चारों कंजुगेट बेस में एफ नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा अगर ये कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा तो एच एफ विल बी द एसिड इन सीरीज बट ये कॉन्सेप्ट टोटली totally गलत है अगर आप ऐसे एसिड का कंपैरिजन कर रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन ऐसे एटम से जुड़ा हुआ है और ये एटम कॉलम में प्रेजेंट है तो इसमें साइज फैक्टर डोमिनेट साइज के इफेक्ट को समझने के लिए इन चारों कंजुगेट बेस में से हम केवल एफ नेगेटिव और आई नेगेटिव को लेकर पूरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं चूंकि एफ नेगेटिव का साइज छोटा होता है और स्मॉलर वॉल्यूम होने के कारण इसका जो नेगेटिव चार्ज होता है वो मोर कंसनट्रेट नेगेटिव चार्ज होता है और इस कारण से ये लेस स्टेबल होता है जबकि आई नेगेटिव का साइज़ बड़ा होने के कारण इसका नेगेटिव चार्ज पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड होता है इसलिए इसकी लेस कंसनट्रेशन होती है और इसी कारण से ये ज़्यादा स्टेबल होता है इसके बेस पे अब हमें कह सकते हैं कि आई नेगेटिव कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा और ज्यादा स्टेबल होने के कारण एच आई इस सीरीज का स्ट्रोंगर एसिड होगा और एफ नेगेटिव इस सीरीज का सबसे लेस स्टेबल कंजुगेट बेस होगा इसलिए इसका एसिड एच एफ इस कैटेगरी है इस सीरीज में सबसे वीक एसिड होगा इन दोनों मेथड को यूज करके दोनों से ही सेम रिजल्ट ये आया कि एच आई इस सीरीज का स्ट्रांगेस्ट एसिड है जबकि एच एफ इस सीरीज का वीकेस्ट एसिड है इस डेटा को हम इसके पी के वैल्यू से भी कोरिलेट कर सकते हैं यहां पर इन चारों की पी के वैल्यू दी गई है इन पी के ए वैल्यू में से पहले तीन जो एसिड की वैल्यू है वो माइनस में है जबकि लास्ट वाले एच एफ की पी के वैल्यू प्लस में है अभी हमने देखा था अच्छे एसिड के लिए यानी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बनाने के लिए के ए वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और पी के ए वैल्यू कम होनी चाहिए इसका मतलब ये हुआ अगर किसी कंपाउंड की पी के वैल्यू जितनी कम होगी उतना वो स्ट्रोंगेस्ट एसिड होगा तो इन चारों में से सबसे कम पीके ए वैल्यू एच आई की है जो कि माइनस टेन है इसलिए एच आई इस सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा और इसी तरह इस सीरीज में पीके ए वैल्यू सबसे ज्यादा एच एफ के लिए है इसीलिए एच एफ इस कैटेगरी का सबसे वीक एसिड होगा इस एग्जांपल से दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमको ये समझ में आ गई अगर हमारे पास कॉलम के एटम्स हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होगी यानी में जिस एटम का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उस पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी कोलम में साइड के इंपैक्ट को हम इन दो एग्जांपल से भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड की इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमको सी एच फोर और एस आई एच फोर की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो सबसे पहले इन दोनों कंपाउंड में से एच पॉजिटिव को रिमूव करके इनके कॉन्जुकेट बेस को ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर कार्बन और सिलिकन सेम कॉलम के एलिमेंट हैं और सिलिकन का साइज बड़ा होने के कारण ये इजीली नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर पाएगा इसलिए इन दोनों कॉन्जुगेट बेस में अगर हम स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करें तो इसकी स्टेबिलिटी सी एच थ्री नेगेटिव से ज़्यादा आएगी और जिस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसके एसिड acid की एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी इसीलिए इन दोनों में से एस आई एच फोर की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी यानी कि इसकी के ए वैल्यू ज़्यादा होगी इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर थर्ड में हम इन तीनों कंपाउंड की भी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं सबसे पहले इन तीनों कंपाउंड में से एक एक एच पॉजिटिव को रिमूव करते हैं और इनके कॉन्जुगेट बेस को ड्रॉ कर लेते हैं चूंकि ये तीनों एलिमेंट भी सेम कॉलम के हैं और एसी का साइज बड़ा होने के कारण इसके नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इसलिए अगर इन तीनों में हम स्टेबिलिटी को कंसिडर करें तो इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ इस तरह से आता है चूँकि कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए इन तीनों में जो एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी वो कुछ इस तरह से होगी यानी H2S H2 का K वैल्यू सबसे ज्यादा होगी जबकि वाटर यानी H2O की K वैल्यू सबसे कम होगी अब हम बात करते हैं ऐसे कंपाउंड की जिसका प्रोटोन यानी एसिडिक H ऐसे एलिमेंट या ऐसे एटम से जुड़ा हुआ है वो एटम सेम रो में प्रेजेंट हो तो ऐसी कंडीशन में अब साइज के फैक्टर को कंसिडर ना करके हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के फैक्टर को कंसिडर करेंगे एग्जाम्पल नंबर फोर इस एग्जाम्पल में जो हमारे पास कंपाउंड दिए गए हैं उन सभी में एच ऐसे एटम से जुड़ा हुआ है ये सभी एटम सेम रो के हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन चारों कंपाउंड में से एक-एक एच पॉजिटिव रिलीज करके इनके कंजुगेट बेस बना लेंगे और जब कंपैरिजन हम सेम रो में कर रहे हैं तो प्रोडक्ट टेबल में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है इसी कारण से अगर CH3 नेगेटिव और F नेगेटिव का कंपैरिजन करें तो F नेगेटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इस सीरीज में F नेगेटिव कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा अगर एफ नेगेटिव कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो इस सीरीज में एच एफ जो होगा वो स्ट्रोंगर एसिड होगा जबकि सी एच फोर क्या जो कंजुगेट बेस सी एच थ्री है वो लेस स्टेबल होने के कारण इस सीरीज में सी एच फोर सबसे वीकेस्ट एसिड होगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम पोटेशन एनर्जी डायग्राम से भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके लिए हम इन दो यानी सी एच फोर और एनएस थ्री को कंसिडर करते हैं यहाँ पर दो कलर में रिएक्शन को शो किया गया है ब्लू कलर की रिएक्शन ये शो करती है कि सी एच फोर वाटर के साथ रिएक्शन करता है और वाटर इसमें बेस की तरह एक्ट करता है जिसमें सी एच फोर एक एच पॉजिटिव को रिलीज करके सी एच थ्री यानी कॉन्जोकेट बेस की फॉर्मेशन कर लेता है और इसी तरह से अमोनिया एक एच को रिलीज करके एनएसटून नेगेटिव की फॉर्मेशन कर लेता है जो इसका कॉन्जोकेट बेस होगा यहाँ पर दो तरह की पीक को शो किया गया है ब्लू कलर की पीक सी एच फोर की रिएक्शन को शो कर रही है जबकि रेड कलर की पीक जो है वो अमोनिया के रिएक्शन को शो कर रही है और इस पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कंपाउंड न्यूट्रल होता है यानी अनचार्ज होता है तो ऐसी कंडीशन में उसकी स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम होती है इसलिए यहाँ पर अमोनिया सी एच फोर और वाटर इन तीनों कंपाउंड की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल होने के कारण इनका ग्राफ यहां से एक साथ स्टार्ट हो रहा है और जब कंपाउंड में चार डेवलप हो जाता है इसलिए उसकी स्टेबिलिटी डिफरेंट हो जाती है यहाँ पर सी एस थ्री नेगेटिव और एन एस टू नेगेटिव हमारे पास कॉन्जुकेट बेस है चूँकि एन नेगेटिव सी नेगेटिव से ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और ये दोनों एलिमेंट सेम रो के होते हैं इसलिए जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी इसीलिए लिए एन एस टू की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है जबकि सी एच थ्री नेगट्टिव की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि ये लेस स्टेबल है और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अमोनिया से एच निकलने के बाद बनने वाला एन एस टू ने उसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो इन दोनों में से अमोनिया की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है यानी अमोनिया स्ट्रॉन्गर एसिड सी एच फोर इस एग्जाम्पल में ये कंक्लूजन निकला एच एफ इसका स्ट्रोंग एसिड होगा और सी एच फोर इसका वीकेस्ट एसिड होगा इसके इस ऑर्डर को हम पी के वैल्यू के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं यहाँ पर इनकी पी के वैल्यू दी गई है और पी के वैल्यू जिसकी जितनी ज़्यादा होती है वो एसिड उतना ही वीकेस्ट होता है इसलिए इस सीरीज में सी एच फोर सबसे वीकेस्ट एसिड होगा और पी के वैल्यू जितनी कम होगी वो एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रोंगर एसिड होगा इसलिए इस सीरीज में एच एफ इसका स्ट्रोंगर एसिड है और अगर इसके कंप्लीट ऑर्डर की बात करें तो ये इसका कंप्लीट ऑर्डर होगा एग्जाम्पल नंबर फाइव यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा गया है अगर हम कैटाइंस की बात करें तो ऐसा देखा गया है कि अगर जिसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज यानी केटाइंस टेबल होता है और जिसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो ऐसी में हमको करनी है। अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिविटीजन में लेस स्टेबल होगा और लेस स्टेबल होने के कारण इससे जल्दी एच पॉजिटिव रिलीज होगा यानी कि इन दोनों में से पॉजिटिव स्ट्रोंगर एसिड होगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम इसके फ्री एनर्जी डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस डायग्राम में हमारे पास दो कलर की पीक शो हो रही है जिसमें से रेड वाली पीक एच थ्री पॉजिटिव की रिएक्शन की है जबकि ब्लू वाली पीक एन एच फोर पॉजिटिव की रिएक्शन की है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कंपाउंड में चार्ज डेवलप हो जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी डिफरेंट है अगर उसमें चार्ज नहीं होता यानी अगर वो अनचार्ज होता है उस कारण से उसकी स्टेबिलिटी सेम होती है अगर इन दोनों चार्ज मॉलिक्यूल को आपस में कंपैरिजन करें तो इनका ये जो एलिमेंट है वो सेम रो का होने के कारण इसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के थ्रू कंपेयर करेंगे चूंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है और अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज रख दें तो इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी स्टेबिलिटी घटने के कारण ही इसकी जो एनर्जी होती है वो एनएच फोर पॉजिटिव के कंपैरिजन में ज्यादा होती है क्योंकि एनएच फोर पॉजिटिव में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है इसलिए ओ पॉजिटिव के कंपैरिजन में एन पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होता है और इन दोनों का इसी कारण से सेपरेटेड पीक आती है और जब इनसे एक एक एच पॉजिटिव रिलीज हो जाता है अब ये न्यूट्रल बन जाते हैं इसलिए इनकी पीक सेम हो जाती है और इस डायग्राम के बेस पर हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि एस्त्रियो पॉजिटिव एनएच फोर पोस्टिव से स्ट्रोंगर एसिड होता है अगर टेबल के रिस्पेक्ट में इन दोनों थ्योरीज को हम समराइज करें तो यहां पर हमारे पास प्रोडिक टेबल शो की गई है जिसमें से ये उसकी रो है और ये उसके कॉलम है अगर प्रोडिक टेबल में अगर हम रो की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है इस कारण से एच निकलने के बाद जो कॉन्जुकेट बेस बनता है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी या हम ऐसा कह सकते हैं प्रोडिक्टेबल में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो उसकी एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है यानी एच इस सीरीज का स्ट्रोंगर एसिड होगा जबकि सी इस सीरीज का वीकर एसिड होगा जिसको हम इसके पी के वैल्यू से इजिली कोरिलेट कर सकते हैं इसी तरह से अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम में टॉप टू बॉटम जाने पर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है या हम ऐसा कह सकते हैं टॉप टू बॉटम आने पर इनके जो बोंड की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि इन दोनों के बीच में लार्जर बोंड होता है जिसको तोड़ना आसान होता है जबकि एच के बीच में स्मोलर बोंड होता है जिसको तोड़ना मुश्किल होता है यानी कॉलम में एच आई एसिड होता है जबकि एच वीकर एसिड होता है नंबर सेकंड अब हम बात करते हैं ऐसे कंपाउंड या ऐसे एसिड की जिनका हाइड्रोजन यानी प्रोटोन सेम एलिमेंट के साथ अटैच होता है इसमें सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं चार्ज वर्सेस अनचार्ज एसिड्स एग्जांपल नंबर सिक्स इस एग्जांपल में हमारे पास दो एसिड है दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और डिफरेंस ये है कि एक पे चार्ज है दूसरा हमारे पास अनचार्ज है ऐसी कंडीशन में जिस पे चार्ज हो वो वाला मॉलिक्यूल या कंपाउंड ज़्यादा अच्छे एसिड्स होते हैं या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर प्रोटॉन किसी ऐसे एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है जो पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी कंडीशन में प्रोटॉन ऐसे एटम से जुड़ा हुआ है वो अनचार्ज है तो चार्ज वाली कंडीशन में वो सिग्निफिकेंटली मोर एसिडिक होता है तो इन दोनों कंपाउंड में अगर इनकी एसिडिटी को कम्पेरिजन करें तो एच थ्री ओ पॉजिटिव की एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज़्यादा आती है जिसको इसके हम पी के वैल्यू से भी कंपेयर कर सकते हैं एच थ्री ओ पॉजिटिव की पी के वैल्यू माइनस वन पॉइंट सेवन के आसपास होती है जबकि वाटर की पी के वैल्यू फिफ्टीन पॉइंट सेवन के आसपास होती है और अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और उसकी, K हो उसकी हो के वैल्यू ज़्यादा होगी बट उसकी पी के वैल्यू कम होगी जब वाटर के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं इससे वाटर का एक मॉलिक्यूल एसिड की तरह काम करता है और एक बेस की तरह काम करता है और इससे एच पॉजिटिव की फॉर्मेशन होती है इस रिएक्शन को हम ऑटो आयोनाइजेशन रिएक्शन कहते हैं इस रिएक्शन के अगर हम इक्लेरियम कांस्टेंट की बात करें तो इस रिएक्शन का इक्वेरियम कांस्टेंट 10 टू माइनस फोर्टीन यानी बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम इस पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल अनचार्ज है और यहाँ पे मॉलिक्यूल हमारे पास चार्ज है इसलिए अनचार्ज मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होती है और उसमें नेट एनर्जी भी कम होगी जबकि चार्ज मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि उसमें एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होते हैं और ये अनस्टेबल होने के कारण या लेस स्टेबल होने के कारण एस पॉजिटिव वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉग एसिड होता है इसी तरह एग्जाम्पल नंबर सेवन में हमारे पास H जिस एटम से जुड़ा हुआ है वो एटम दोनों में नाइट्रोजन यानी सेम है डिफरेंस सिर्फ ये है कि एक पे चार्ज डेवलप है दूसरे पे चार्ज प्रेजेंट नहीं है इसलिए इसी तरह से इन दोनों में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो एन एच फोर पॉजिटिव की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है जिसको हम इसके पी के वैल्यू से को रिलेट कर सकते हैं एन एच फोर पॉजिटिव की पी के वैल्यू टेन के नियर अबाउट होती है जबकि अमोनिया की पी के वैल्यू थर्टी फाइव के नियर अबाउट होती है और स्ट्रॉन्ग एसिड की के वैल्यू ज्यादा होती है जबकि पी के वैल्यू कम होती है इसी कारण से एनएच फोर पॉजिटिव की पी के वैल्यू कम होने के कारण एन एच फोर पॉजिटिव अमोनिया के कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छा एसिड होता है इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम इसके पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो कलर की पीक दी गई है जिसमें से ब्लू कलर की पीक जो है वो NH4 पॉजिटिव के डीप्रोटोजनेशन को शो करती हैं यानी जब NH4 पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया और H3O पॉजिटिव की फॉर्मेशन होती है इसी तरह से रेड कलर की जो पीक होती है वो अमोनिया के डिप्रोटोजनेशन को शो करती हैं यानी अमोनिया जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो एन एच टू नेगेटिव और एच थ्रियो पॉजिटिव की फॉर्मेशन होती है इस डायग्राम से हम दो इंपॉर्टेंट बातों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं पहली बात तो ये कि अमोनिया और एन एच फोर पॉजिटिव में से इस पे चार्ज डेवलप होने के कारण इसके एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होते हैं जबकि अमोनिया अनचार्ज होने के कारण इसके एनर्जी कंटेंट कम होते हैं इसी तरह इन दोनों में से अमोनिया अनचार्ज होने के कारण इसके एनर्जी कंटेंट कम है जबकि एन एच टू नेगेटिव के चार्ज डेवलप होने के कारण एनर्जी कॉन्टेंट ज़्यादा है और इस एनर्जी से हम ये इजीली समझ सकते हैं कि जो अमोनिया का डिप्रोटोनेशन होता है वो एनर्जेटिकली लेस फेवरेबल रिएक्शन होती है या हम ऐसा कह सकते हैं कि एन एच फोर पॉजिटिव से एच पॉजिटिव का निकलना अमोनिया के एच पॉजिटिव के निकलने से ज़्यादा इजी होता है या एन एच फोर पॉजिटिव अमोनिया के कंपैरिजन में बेटर एसिड होता है अब मान लो हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें दोनों पर ही पॉजिटिव चार्ज है ऐसी कंडीशन में इनमें से किसके थ्रू एच पॉजिटिव रिलीज होगा ये देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इनमें से स्टेबल कौन है और अनस्टेबल कौन है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कैटाइन है और यहाँ पर इसमें एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ये अल्काइल ग्रुप इसमें अपने प्लस आई के थ्रू इस पॉजिटिव चार्ज केटाइन को स्टेबल करता है पहले में मिथाइल ग्रुप है इसलिए इसमें इसका प्लस आई इफेक्ट होगा दूसरे में इथाइल ग्रुप होने के कारण इसका प्लस आई इफेक्ट होगा इथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट मिथाइल के प्लस आई से ज्यादा होने के कारण इसमें ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कैटायन की तरफ शिफ्ट करेगा जबकि मिथाइल का प्लस आई कम होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन कम इस कैटायन की तरफ जाएंगे इसका मतलब ये हुआ इन दोनों कंपाउंड में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो अगर इन दोनों में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तब ये एच पॉजिटिव को रिलीज नहीं करेगा यानी कि इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी और एसिडिक नेचर कभी भी डिक्रीज होती है तो उसकी के वैल्यू क्या होगी के वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी बट इसकी पी के ए वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी इसको हम इसके डेटा से एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम इसके डेटा को देखें तो इसकी पी के ए वैल्यू टेन पॉइंट सेवन है जबकि इसकी पी के वैल्यू 11.0 पॉइंट ज़ीरो है यानी कि इसकी पी के वैल्यू ज़्यादा होने के कारण अब हम ये कह सकते हैं कि इस कंपाउंड की एसिडिक नेचर कम है अब मान लो हमको इन दोनों कंपाउंड की एस्ट्रिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो इसको भी हम इसी फैक्टर के अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हैं कि जो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी और उससे एच पॉजिटिव निकलने की टेंडेंसी कम होगी चूंकि ये दोनों हमारे पास कैटाइन है इसलिए इसके एडजस्टेड कार्बन को कंसिडर करते हैं पहले वाले केस में अगर हम देखें इसका जो एडजेसेंट कार्बन है वो एस पी टू हाइब्रोडाइज होता है जबकि दूसरे कंपाउंड का एडजेसेंट कार्बन एस पी थ्री हाइब्रोडाइज होता है अगर हम परसेंटेज एस करेक्टर की बात करें तो एस पी टू में परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है इसीलिए ये जो कार्बन होगा इस कटाइन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पार्ट इस इस कटाइन पर माइनस इफेक्ट शो करता है जबकि ये वाला जो पार्ट होगा वो sp3 थ्री कार्बन होने के कारण अब इस कटाइन पर प्लस इफेक्ट शो करता है यानी कि ये इसमें इलेक्ट्रॉन का डोनेशन शुरू कर देता है तो इन दोनों में से इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होने के कारण इस कंपाउंड से एच निकलने की जो टेंडेंसी होगी वो डिक्रीज हो जाती है इसका मतलब ये हुआ ये जो कंपाउंड फर्स्ट वाला है ये अनस्टेबल है और इसमें से एच जल्दी निकलेगा और इन दोनों में से जो एच डी स्ट्रेंथ आएगी वो इसकी ज्यादा आएगी इसको हम इसके पी के ए वैल्यू से भी कंफर्म कर सकते हैं अगर कंपाउंड फर्स्ट की पी के ए वैल्यू को देखा जाए तो ये फोर पॉइंट सिक्स जीरो होती है जबकि कंपाउंड सेकेंड की जो पी के ए वैल्यू होती है वो टेन पॉइंट सिक्स सिक्स होती है तो इसका मतलब ये हुआ अगर किन्नी दो कंपाउंड में कोई कंपाउंड अच्छा एसिड है तो उसकी के ए वैल्यू ज्यादा होती है और पी के ए वैल्यू हमेशा कम होती है अब बात करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन की अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें एसिडिक एच एस निकालने के बाद सेम एटम पर चार्ज डेवलप होता है यानी उनका कंजुगेट बेस सेम चार्ज रख रहा है और उनका एटम भी सेम है ऐसी कंडीशन में उसका हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर किया जाता है जिसको हम एग्जाम्पल नंबर एट से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं एग्जाम्पल नंबर एट में हमारे पास तीन कंपाउंड दिए गए हैं अगर इन तीनों कंपाउंड की हमको एसिडिक नेचर को डिस्क्राइब करना हो तो सबसे पहले इनमें से एच पॉजिटिव को रिमूव करके इनके कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन कर लेते हैं अब इन तीनों कॉन्जुगेट बेस में दो चीज़ें कॉमन है पहली चीज़ तो इन सभी में नेगेटिव चार्ज है दूसरी चीज़ ये नेगेटिव चार्ज सेम एटम यानी कार्बन पर प्रेजेंट है ऐसी कंडीशन में हमको इन कंजुगेट बेस के नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन को कंसिडर करना होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन एस पी होगा इसका एस पी टू होगा और इसका एस पी थ्री होगा हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होने के कारण इसमें परसेंटेज एस करेक्टर डिफरेंट हो जाएंगे जो कि एस पी में फिफ्टी परसेंट होंगे एस पी टू में थर्टी थ्री परसेंट होंगे और एस पी थ्री में ट्वेंटी फाइव परसेंट होंगे और जितने ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होंगे उतना ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी यानी कि इन तीनों में से परसेंटेज एस करेक्टर के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की पावर इस कार्बन की ज़्यादा होगी जबकि इस कार्बन की इस नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की पावर कम होगी यानी इन तीनों कंजुगेट बेस में हम परसेंटेज एस करेक्टर के बेस पर यह कह सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी का पैटर्न कुछ इस तरह से आएगा और जो कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका एसिड acid की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी क्योंकि तो इन तीनों में इसकी कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी और इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी सबसे कम होने के कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी इसलिए इन तीनों का जो का ऑर्डर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि, कि किसी भी एसिड से एच पोस्टर निकालने के बाद बनने वाला नेगेटिव चार्ज यानी कॉन्जुकेट बेस की स्टेबिलिटी जो होती है वो कुछ इस ऑर्डर में होती है एसपी की सबसे ज्यादा होती है और एसपी त्री हाइब्रिडाइज की सबसे कम होती है इस एग्जाम्पल में एसिडिक स्ट्रेंथ के इस ऑर्डर को हम पी के वैल्यू से भी को रिलेट कर सकते हैं यहाँ पर इन तीनों के रिगार्डिंग पी के वैल्यू दी गई है जिसकी पी के वैल्यू सबसे कम होगी उस एसिड acid की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है और जिसकी पी के वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा कम होती है एग्जाम्पल नंबर नाइन इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो कंपाउंड दिए गए हैं इनमें दो चीज़ें कॉमन है पहली चीज तो ये दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यानी दोनों ही कैटाइन है दूसरी चीज़ ये पॉजिटिव चार्ज दोनों में ही ऑक्सीजन के ऊपर है यानी एटम भी सेम है ऐसी कंडीशन में हमको इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा अगर हम इसका हाइब्रिडेशन निकालें तो ये sp2 आएगा और अगर इसका हाइब्रेडेशन निकालें तो ये sp3 आएगा अभी हमने ये देखा था कि जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी एसपी पर होती है और लिस स्टेबल एस थ्री पर होता है बट यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इसकी सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगी यानी इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो sp3 थ्री का सबसे ज़्यादा आएगा और फिर sp2 टू का और सबसे कम sp क्या का आएगा इसलिए इन दोनों में से sp3 हाइब्रिडाइज होने के कारण ये कैटाइन ज्यादा स्टेबल है जबकि sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण ये कटाइन लेस स्टेबल है लेस स्टेबल होने के कारण इसके एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होंगे और ये इजिली एच पॉजिटिव को डोनेट कर देगा यानी इन दोनों में अगर हम एसिडिक नेचर को कंपेयर करें तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये दोनों कंपाउंड हैं जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से एक एक एच रिलीज हो जाता है जिससे इनके कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन होती है चूंकि दोनों के कंजुगेट बेस अनचार्ज है ऐसी कंडीशन में इनको अप्रोक्सीमेट सेम स्टेबिलिटी का माना गया है जबकि इनके जो स्टार्टर थे यानी ये जो हमारे पास एसिड थे इनकी स्टेबिलिटी डिफरेंट है क्योंकि ये हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड है इसमें से इसकी स्टेबिलिटी कम है क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज एसपी हाइब्रिडाइज है जिसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी या परसेंटेज एस करेक्टर कम होंगे इसलिए इस कटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इसके एनर्जी कॉन्टेंट कम होंगे जबकि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो एसपी टू है और इसके परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी बढ़ जाएगी और इस कटाइन की स्टेबिलिटी घट जाएगी या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसकी नेट एनर्जी ज़्यादा होगी और इस पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के बेस पर हम ये इजीली स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इन दोनों में से इसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी क्योंकि एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होने के कारण ये लेस स्टेबल होगा और जल्दी से ही एच पॉजिटिव को रिलीज कर देगा तो इस एग्जाम्पल के रिजल्ट को हम इसके पी के वैल्यू के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं प्रोटोनेटेड एसिटोन की पी के वैल्यू माइनस सेवन होती है और प्रोटोनेटेड एल्कोहल की पी के वैल्यू माइनस टू के नियर अबाउट होती है और जिस एसिड की के वैल्यू ज्यादा हो और पी के वैल्यू कम से कम हो वो एसिड ज्यादा स्ट्रोंगर एसिड होता है इसीलिए इस एग्जाम्पल में प्रोटोनेटेड एसिडोन प्रोटोनेटेड एल्कोहल से ज्यादा स्ट्रोंगर एसिड है हाइब्रोडेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम एग्जाम्पल नंबर टेन को भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर तीन कंपाउंड मैंशन है और सबसे पहले इन तीनों कंपाउंड में से हाइड्रोजन को रिमूव करके इनके कंजुगेट बेस को ड्रॉ कर लेते हैं अब इनमें दो चीज़ें कॉमन है पहली चीज़ तो ये है कि तीनों के कंजुगेट बेस नेगेटिव चार्ज रखे हुए हैं दूसरी चीज़ ये है कि तीनों के कंजुगेट बेस में नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है और तीनों का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें इसमें एस होगा ये एस टू होगा और ये एस पी थ्री होगा अभी हमने देखा था कि जो कंजुकेट बेस में अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल एस पी वाला होता है और सबसे लीस्ट स्टेबल एस पी थ्री वाला होता है तो इन तीनों में से अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो इसका ऑर्डर कुछ इस तरह से आएगा जिसमें ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा कॉन्जुकेट बेस की स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगी उतना उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी इस कारण से इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होने के कारण इस एसिड acid की एसिडिटी ज़्यादा होगी और इसकी कॉन्जुकेट बेस की स्टेबिलिटी सबसे कम होने के कारण इस एसिड acid की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी इसके इस ऑर्डर को हम इसकी पीके वैल्यू के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी पीके वैल्यू 25 है जबकि इसकी पीके वैल्यू 50 है और अभी हमने ये देखा है कि अगर किसी कंपाउंड की पी के वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होती है और जितनी कम उसकी पी के वैल्यू होती है उतना ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है तीसरी थ्योरी हमारे पास आती है रेजोनेंस। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एसिड एच ए है और इससे एच पॉजिटिव रिलीज होने के बाद इसके कंजुगेट बेस यानी ए नेगेटिव की फॉर्मेशन होती है अगर बनने वाला इसका कंजुगेट बेस किसी भी तरीके से अपने नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज़ कर लेता है तो इस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है यानी इस एसिड का के ए वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और पी के वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी में रेजोनेंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एग्जाम्पल नंबर इलेवन इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो कंपाउंड दिए गए हैं जिसमें से एक मैथिनोल है दूसरा हमारे पास फिनोल है और दोनों की ही हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो सबसे पहले यहाँ से एक एच पॉजिटिव को रिलीज करके इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन कर लेते हैं अब इनके दोनों के सी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ये लोकलाइज होता है और इस ओ के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो डीलोकलाइज होता है क्योंकि ये कंजुगेटेड सिस्टम होता है ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बोन्ड से एक सिंगल बोन्ड की दूरी से सेपरेटेड है इसलिए ये कॉन्जुगेटेड चार्ज होने के कारण इसमें डीलोकलाइज हो सकता है और लोकेलाइज चार्ज और डीलोकलाइज चार्ज में से हमेशा डीलोकेलाइज चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है यानी कि इन दोनों कंजुगेट बेस में इस फिनोक्साइड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग में माइग्रेट कर पाएगा और इस कारण से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और जिस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी उसके एसिड acid की एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी जिसको इसके पी वैल्यू से हम कन्फर्म कर सकते हैं मेथेनॉल की पी के ए वैल्यू फिफ्टीन होती है जबकि फिनोल की पी के ए वैल्यू टेन होती है फिनोल की पी के ए वैल्यू कम होने के कारण फिनोल मेथेनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर एसिड होता है इसी तरह एग्जाम्पल नंबर ट्वेल्व में हमारे पास दो कंपाउंड दिए गए हैं जिनमें अंडरलाइन एच की स्ट्रेंथ के बारे में कमेंट करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इन दोनों कंपाउंड में जो अंडरलाइन एच है उसको एज ए एच पॉजिटिव रिलीज करके इन दोनों कंपाउंड से कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन कर लेते हैं अब इन दोनों कंपाउंड के कंजुगेशन बेस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसके कंजुगेशन बेस का ये जो ओ नेगेटिव है वो इस डबल ओ ग्रुप के साथ कंजुगेशन में है इसलिए नेगेटिव चार्ज इस तरह से रेजोनेंस के थ्रू डीलोकेलाइज हो जाता है जबकि ये नेगेटिव चार्ज इसमें लोकलाइज होता है और डीलोकेलाइज और लोकलाइज चार्ज को आपस में कंपैरिजन करें तो डी नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है इन दोनों में से हम ये कह सकते हैं कि इसमें डी नेगेटिव चार्ज होने के कारण इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी और जिस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी उसके एसिड acid की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी इसको हम इसके पी के ए वैल्यू से भी कंफर्म कर सकते हैं एसिडिक एसिड acid की जो पी के ए वैल्यू है वो 4.7 होती है जबकि एथेनॉल की पी के वैल्यू 16 होती है और जिस कंपाउंड की पीके वैल्यू जितनी ज्यादा कम होती है वो कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है इसलिए एसिडिक एसिड acid की एसिडिक स्ट्रेंथ एथेनॉल से ज्यादा होती है अब मान लीजिए हमारे पास दो एसिड है जिसमें से एक फॉर्मिक एसिड है दूसरा बेंजोइक एसिड है अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपेयर करें तो फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसको इसकी पी ए वैल्यू के साथ कोरिलेट कर सकते हैं क्योंकि कोई भी कंपाउंड अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसकी के ए वैल्यू ज़्यादा होती है जबकि पी के वैल्यू उसकी कम हो जाती है अब बेंजोइक एसिड का इसमें वीकर एसिड बनने का मेन रीज़न रहता है बेंजीन का प्लस एम इफेक्ट बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले इन दोनों कंपाउंड से इस एसिडिक एसिडिकच को रिमूव करके दोनों का कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन कर लेते हैं अब इन दोनों एसिड के कंजुगेट बेस में एक चीज़ कॉमन रहती है कि इनमें जो सीडबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है और इसके कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है यानी दोनों का जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशेंसी हो जाती है अब जो फॉर्मिक एसिड के थ्रू कंजुगेट बेस बना है उसमें इस इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन के थ्रू एक इसकी आर एस और बन सकती है और इन दोनों आर एस को हम इक्वलेंट आर एस कहते हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस बेंजोइक एसिड के कांजुकेट बेस में भी हो सकता है बट इसमें एक प्रोसेस और हो सकता है चूंकि फॉर्मिक एसिड का जो कॉन्जुकेट बेस था उसमें इस कार्बन के साथ एच प्रेजेंट था जिसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता इसलिए केवल इसमें ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से ही माइग्रेट कर सकते हैं जबकि बेंजोइक एसिड का जो कॉन्जुकेट बेस है उसमें ये प्रोसेस तो चलेगा ही साथ में बेंजीन होने के कारण बेंजीन अपना प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है और जैसे ही बेंजीन अपना प्लस एम इफेक्ट शो करेगा ये जो कार्बन होगा इसके डेफिशिएंसी कम हो जाएगी क्योंकि तो इसको बेंजीन से इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं और जब इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम हो जाएगी अब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले नहीं पाएगा यानी कि इसकी जो टू इक्वलिन आर एस की बनने की पॉसिबिलिटी थी वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी इसलिए इन दोनों कंजुगेट बेस में से फॉर्मिक एसिड का कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है और इसी कारण से जिस भी कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है वो कंपाउंड उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इसी कारण से फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड से ज्यादा स्ट्रोंग एसिड होता है इसी तरह से रेजोनेंस के बेस पे एग्जाम्पल नंबर थर्टीन और एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन को सोल्व कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्टीन में दोनों अंडरलाइन एच को जब रिमूव करते हैं यहां पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती है बनने वाला ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ कंजुगेशन में होने के कारण इसका कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए अमाइड की एसिडिक स्ट्रेंथ एथाइल अमिन से ज़्यादा होती है जो कि इसकी पी के वैल्यू से भी कंफर्म होती है इसी तरह एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन में इन दो अंडरलाइन एच को अगर रिमूव करें तो इससे रिमूव होने के बाद जो नेगेटिव चार्ज यानी कंजुगेट बेस बनेगा वो कंजुगेशन में होने के कारण ज़्यादा स्टेबल होगा और इस कारण से एल्डिहाइड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो मिथेन से ज़्यादा होती है जो कि इसके पी के वैल्यू से भी कन्फर्म होती है एग्जाम्पल नंबर फिफ्टीन यहाँ पर हमारे पास दो कंपाउंड दिए गए हैं एक हमारे पास सल्फोनिक एसिड है दूसरा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और हमको इनके एसिडिक एच को कंपेयर करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इन दोनों से ही एच पॉजिटिव को रिमूव करके इनके कॉन्जुगेट बेस को ड्रॉ कर लेते हैं अब दोनों में सबसे बड़ी सिमिलरिटी ये होती है कि दोनों में ही नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर होता है डिफरेंस ये होता है इसका नेगेटिव चार्ज इन दोनों के साथ कंजुगेशन में होता है जबकि इसका नेगेटिव चार्ज केवल इसके साथ कंजुगेशन में होता है यानी इसके कंजुगेट बेस से टोटल तीन रेजोडिक स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती हैं जबकि इसके कंजुगेट बेस से टोटल दो रेजोडिक स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती हैं अगर इनके रेजोनेंस हाइब्रिड की बात की जाए तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरह से दिखाई देगा और इसका रेजोनेस हाइब्रिड कुछ इस तरह से दिखाई देगा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसके थ्रू हमारे पास तीन इक्वल्ट आरएस बनेगी जबकि इसके थ्रू हमारे पास दो इक्वलेंट आर एस बनेगी इसलिए इन दोनों में से तीन इक्विलेंट आर एस के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और जिस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसके एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है इसलिए सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेरिजन में बेटर एसिड होता है जिसको हम इसके पीके वैल्यू से भी कन्फर्म कर सकते हैं अगर हम सल्फोनिक एसिड की पीके वैल्यू को कंसिडर करें तो इसकी पीके वैल्यू माइनस आती है

हमको इस ओ नेगेटिव के थ्रू वापस ओ नेगेटिव मिलता है इसलिए इसे हम इक्विवेलेंट आर एस कहते हैं तो इसमें टोटल तीन इक्विवेलेंट आर एस बनती है इसी तरह कार्बोक्सिलेट में दो इक्विवेलेंट आर एस बनती है जब इक्विवेलेंट आर एस का कंपैरिजन इक्विवेलेंट आर एस के साथ किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आर एस जिसमें ज़्यादा होती है उस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो इसमें तीन इक्विवेलेंट आर एस बनने के कारण इसकी स्टेबिलिटी इसकी दो इक्विवेलेंट आर एस से ज़्यादा होती है एग्जाम्पल नंबर सिक्सटीन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन दिया गया है सबसे पहले इसमें से एच पोस्टी को रिलीज करके इनके कॉन्जुगेट बेस को बना लेते हैं अब दोनों में ही सिमिलरिटी ये है कि ओ एक्टिव के ऊपर का चार्ज डीलोकलाइज होता है और कंजुगेशन के थ्रू वो इस तरह से माइग्रेट कर लेता है यानी इसके थ्रू हमारे पास दो इक्वलेंट आर एस बनती हैं जबकि इसके थ्रू हमारे पास टोटल चार आर एस बनती हैं अब सबसे खास बात यह है क्योंकि इसमें चार्ज ओ नेगट्टिव पर था और ये चार्ज अगली आर एस में ओ नेक्टिव पर ही जाता है यानी ओ पर ही जाकर नेगेटिव बन जाता है इसलिए इक्वलेंट आर एस कहलाती हैं इसमें चार्ज ओ नेगट्टि पर था बट ये बेंजीन में माइग्रेट करके सी नेगट्टिव बन जाता है इसलिए चारों आर एस जो होती हैं वो नॉन इक्वलेंट आर एस होती हैं और कभी भी इक्वलेंट आर एस और नॉन इक्वलेंट आर एस का आपस में कंपेरिजन किया जाता है ऐसी कंडीशन में उसका नंबर ध्यान में नहीं रखा जाता हर कंडीशन में उसकी इक्वलेंट आर एस इक्वल स्टेबिलिटी होने के कारण ज़्यादा डोमिनेट होती है या हम ऐसा कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में दो इक्वलेंट आर एस होने के कारण इसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है जबकि फिनोल के कंजुगेट बेस यानी फिनोक्साइड में चार नॉन इक्वल आरएस होने के कारण इसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम होती है और इसी कारण से कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल से बेटर स्ट्रोंग एसिड होता है जिसको हम इसके पी के ए वैल्यू से भी कंफर्म कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक अगर पी के ए वैल्यू देखी जाए तो इसकी पी के वैल्यू फोर जबकि आसपास होती है यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिली के वैल्यू कम होने के कारण कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल से स्ट्रोंग एसिड होता है एग्जाम्पल नंबर सेवनटीन यहाँ पर हमारे पास बीटा डाइकटोन दिया गया है जिसमें दो टाइप के हाइड्रोजन को अंडरलाइन किया गया है एक को ए माना है जबकि दूसरे को बी माना है यानी हमको इन दोनों हाइड्रोजन जिसे हम ए और बी मान रहे हैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को आपस में कंपेयर करना है तो इसके लिए सबसे पहले इस ए में से एक एच पॉजिटिव को रिलीज करके उसके कंजुगेट बेस को ड्रॉ कर लेते हैं और इसी तरह से बी में से भी एक एच पॉजिटिव को रिलीज करके इसके कंजुगेट बेस को ड्रॉ कर लेते हैं अब इन कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को आपस में कंपेयर करते हैं इस कंजुगेट बेस में ये जो नेगेटिव चार्ज होता है वो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कंजुगेशन में होता है और सी डबल बॉन्ड ओ के माइनस एम के थ्रू तो स्टेबलाइज होता है जबकि ये नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इन दोनों सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कंजुगेशन में होता है यानी कि हम ये कह सकते हैं ये नेगेटिव चार्ज दो बार इन दोनों सी डबल बॉन्ड ओ से स्टेबलाइज हो जाता है इसलिए ये कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा और इसी कारण से जो बी की एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो ए से ज़्यादा होगी इस एग्जाम्पल में हमारे पास टोटल फोर टाइप्स के कंपाउंड हैं जिन्हें हम ए बी सी और डी मान रहे हैं इन चारों कंपाउंड में जो एच की मार्किंग की गई है यानी कि एच वन एच टू एच थ्री और एच फोर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है सबसे पहले इन चारों कंपाउंड में हम डिफरेंस देखते हैं जहां पर हमने एच की मार्किंग कर रही है उस कार्बन के एडजेसेंट कौन से ग्रुप लगे हुए हैं जैसे कंपाउंड ए में इस कार्बन के एडजेसेंट दो एल लगे हुए हैं कंपाउंड बी में इस कार्बन के एडजेसेंट दो किटोन है सी में इस कार्बन के एडजस्टेंट दो ग्रुप और डी में इस कार्बन के एडजस्टेंट दो एमाइड ग्रुप लगे हुए हैं अगर इन ग्रुप के माइनस एम इफेक्ट को देखें तो सबसे ज्यादा माइनस एम इफेक्ट एल्डिहाइड का होता है फिर किटोन का फिर एस्टर का और सबसे कम एमाइड का होता है माइनस एम इफेक्ट कम होने का कारण ये है कि इसमें क्रोस कंजुगेशन डेवलप हो जाता है यानी इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर खुद इस कीटो ग्रुप पे डोनेट हो जाता है और इस क्रोस कंजुगेशन के कारण इसका माइनस एम डिक्रीज हो जाता है जबकि एल्डिहाइड में यहाँ पर एच होता है जिसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता इस कारण से अब इसका कीटो ग्रुप का स्ट्रोंग माइनस एम इफेक्ट होता है इन चारों कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए ये जो मार्किंग वाले एच है इनको रिमूव करके यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को जनरेट कर लेते हैं अब इन कंजुगेट बेस में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा सबसे ज्यादा स्टेबल वो कंजुगेट बेस होगा जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होंगे जैसे इस कंपाउंड का जो कंजुगेट बेस बनेगा उसमें यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा अब ये नेगेटिव चार्ज इन दो स्ट्रॉन्ग एल्डिहाइड ग्रुप के माइनस एम के थ्रू स्टेबलाइज होगा जबकि फोर्थ कंपाउंड का जो कंजुगेट बेस होगा वो लीस्ट स्टेबल होगा क्योंकि जब इस एच को रिमूव करेंगे तो यहां पर नेगेटिव चार्ज बनेगा और नेगेटिव चार्ज इन दो ग्रुप में माइग्रेट करेगा जिनका माइनस एम इफेक्ट सबसे कम है इसलिए इसका कंजुगेट बेस लीस्ट स्टेबल हुआ इसका कंजुगेट बेस मोस्ट स्टेबल हुआ तो यहां पर कंजुगेट बेस का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा सबसे ज्यादा स्टेबल ए का कंजुगेट बेस होगा फिर बी सी और सबसे लास्ट स्टेबल डी का होगा बेस की स्टेबिलिटी एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो इन चारों कंपाउंड की एसिडिटी का वही ऑर्डर आएगा जो इनके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी का आया है इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अब इन चारों कंपाउंड में जो अंडरलाइन एच है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं बिल्कुल सिमिलर तरीके से हमको इसका कंजुगेट बेस बनाना है और फिर इस माइनस एम के ऑर्डर को कंसिडर करते हुए इसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को प्रोडिक्ट करना है और इसमें अगर एसिडिटी ऑर्डर की बात करें तो इसमें एल का ये एच सबसे ज्यादा एसिडिक होगा जबकि एमाइड का ये एच सबसे पोअर एसिडिक होगा एग्जाम्पल नंबर 18 में हमारे पास दो तरह के फिनोल दिए गए हैं और दोनों में डिफरेंस ये है कि इस फिनोल की पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है अगर हमको इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो सबसे पहले इन दोनों फिनोल में से एक एक एस पॉजिटिव को रिमूव करके इनके कंजुगेट बेस को ड्रॉ कर लेते हैं यानी अब ये बनने वाले फिनोक्साइड आयन में ये जो ओ नेगेटिव होता है ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन के साथ कंजुगेशन में होता है और दोनों ही केस में ये बेंजीन के अंदर माइग्रेट करता है बट सेकेंड वाले केस में ये नेगेटिव चार्ज जब पैरा पोजिशन पर माइग्रेट करता है तो इसकी पैरा पोजिशन पर प्रेजेंट इस नाइट्रो ग्रुप से एक्स्ट्रा माइनस एम इफेक्ट डेवलप होता है जिससे अब इनेक्टिव चार्ज इस नाइट्रो ग्रुप में माइग्रेट कर लेता है यानी कि इसके फिनोक्साइड आयन से हमारे पास कुछ रेजुलेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह की दिखाई देती है अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना इन दोनों कंजुगेट बेस में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा क्योंकि दोनों में ही ओ नेगेटिव बेंजीन में माइग्रेट करता है डिफरेंस सिर्फ इतना आता है कि इसमें बेंजीन में माइग्रेट करने के बाद ये नेगेटिव चार्ज नेट्रो ग्रुप में माइग्रेट कर लेता है या हम ऐसा कह सकते हैं इस कंजुगेट बेस से ज्यादा आर एस बनती है और जितनी ज्यादा आर एस बनती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है इसलिए इन दोनों कंजुगेट बेस में से इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि इसमें रेजोनटिक स्ट्रक्चर ज्यादा बनती है क्योंकि इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है इसलिए इसके एसिड acid की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी यानी इन दोनों में से वो फिनोल जिसकी पैरा पोजिशन पर नाइट्रोग्रुप प्रेजेंट होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इस रिजल्ट को हम इनके पी के ए वैल्यू से भी कंफर्म कर सकते हैं अगर हम फिनोल की पी के ए वैल्यू देखें वो टेन होती है और पैरानाइट्रोफिनोल की अगर पी के ए वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू सेवन पॉइंट थ्री होती है यानी पैरानाइट्रोफिनोल की पी के ए वैल्यू कम होने के कारण पैरानाइट्रोफिनोल फिनोल से बेटर स्ट्रोंग एसिड होता है एग्जाम्पल नंबर नाइनटीन में एक हमारे पास टू फोर सिक्स ट्राइनाइट्रोफिनोल दिया गया है जिसे हम पिकरिक एसिड कहते हैं और एक हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनोल दिया गया है तो इन दोनों में सबसे पहले एच पॉजिटिव को रिमूव करके इनके कंजुगेट बेस को बना लेते हैं अब इसमें इनका जो ये ओनेगटिव होता है ये बेंजीन में माइग्रेट करता है और बेंजीन में माइग्रेट करके ये नेगेटिव चार्ज इसकी ओर्थो और, और पैरा पैरापोजिशन पर माइग्रेट करता है इसी तरह इसमें भी ये चार्ज जो होगा ओर्थो और, और पैरा पैरापोजिशन पर माइग्रेट करेगा तो पहले वाले केस में इनकी दोनों औरतों और पैरा पोजिशन पर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण अब ये नेगेटिव चार्ज इन नाइट्रो ग्रुप में भी माइनस एम इफेक्ट के कारण माइग्रेट कर पाएगा जबकि इसमें केवल एक ही बार ये नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रो ग्रुप में माइग्रेट कर पाएगा यानी कि पिकरिक एसिड के कंजुगेट बेस से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज़्यादा बनने के कारण इन दोनों में से इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने से पिकरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा नाइट्रोफिनोल से ज़्यादा होती है जिसको हम इसके पी ए वैल्यू से भी कंफर्म कर सकते हैं पिकरिक एसिड यानी टू फोर सिक्स ट्राइनेट्रोफिनोल का अगर पी वैल्यू देखें तो इसके पी वैल्यू पॉइंट होती है जबकि पैरानेट्रोफिनोल की पी के ए वैल्यू 7.3 होती है इसकी पी वैल्यू कम होने के कारण पिकरिक एसिड पैरानेट्रोफिनोल से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इसी तरह कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन भी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जैसे यहाँ पर हमारे पास तीन तरह के फिनोल हैं और सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर कंपाउंड में मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं अब दोनों कंपाउंड में अंतर यह है कि इसमें मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजिशन में है और इसमें मिथाइल ग्रुप मेटा पोजिशन में है अगर हम मिथाइल ग्रुप की बात करते हैं तो किसी भी मिथाइल ग्रुप के थ्रू उसमें दो इफेक्ट शो हो सकते हैं एक इसमें प्लस एच इफेक्ट होता है और दूसरा इसमें प्लस आई इफेक्ट होता है इन दोनों में से प्लस एच इफेक्ट डोमिनेट होता है अब बात करते हैं हम प्लस आई इफेक्ट की अगर हम मिथाइल ग्रुप के कारण प्लस आई की इफेक्ट की बात करें तो पहले कंपाउंड में मिथाइल ग्रुप एब्सेंट है इसलिए इसमें प्लस आई इफेक्ट शो नहीं होगा दूसरे कंपाउंड में दो मिथाइल ग्रुप है दोनों ऑर्थो पोजिशन में है इसलिए इसमें प्लस आई इफेक्ट शो होगा और इसी तरह मेटा पोजिशन से भी मिथाइल ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट शो होगा अब बात करते हैं इसके प्लस एच इफेक्ट की अगेन फर्स्ट कंपाउंड में मिथाइल ग्रुप एब्सेंट है इसलिए इसमें प्लस एच इफेक्ट भी एबसेंट होगा सेकेंड कंपाउंड में मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन में होने के कारण इसमें प्लस एच इफेक्ट शो होगा बट थर्ड कंपाउंड में ये दोनों ग्रुप जो होंगे एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे होंगे इस कारण से मिथाइल ग्रुप का प्लस एच इफेक्ट शो नहीं हो पाएगा चूंकि मिथाइल ग्रुप के दोनों इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होते हैं अगर हम इन दोनों कंपाउंड्स से एच को रिमूव करके जब इनका कंजुगेट बेस बनाते हैं तो ये कंजुगेट बेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के थ्रू डिस्टेबलाइज हो जाता है इसका मतलब ये है कंपाउंड नंबर सेकंड में ये दो बार डिस्टेबलाइज हो रहा है जबकि कंपाउंड नंबर थर्ड में एक बार डिस्टेबलाइज हो रहा है जबकि कंपाउंड नंबर वन में इसमें ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो इसके कंजुगिट बेस को डिस्टेबलाइज करे तो इन तीनों में अगर हम इसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें कंपाउंड नंबर वन का कंजुगेट बेस स्टेबल होगा फिर इसमें कंपाउंड नंबर थर्ड का कंजुगेट बेस होगा और सबसे लास्ट इसमें लिस्ट स्टेबल होगा कंपाउंड नंबर सेकेंड का कंजुगेट बेस चूँकि कंजुगेट बेस और उस एसिड acid की एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रपोश्न होती है तो इस कंपाउंड में अगर हम एसिडिटी के ऑर्डर की बात करें तो इसमें सेम यही ऑर्डर होगा कि कंपाउंड नंबर वन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी फिर कंपाउंड नंबर थर्ड आएगा और इस सीरीज का सबसे लिस्ट जो एसिड होगा वो कंपाउंड नंबर सेकेंड होगा इस ऑर्डर को हम इसकी पी के वैल्यू के थ्रू भी कंफर्म कर सकते हैं कि जो पी के वैल्यू फिनॉल होती हैं वो ये वैल्यू टेन के आसपास होती हैं और इसी तरह से अगर दो मिथाइल ग्रुप इसकी मेटा पोजिशन पर लग जाते हैं तो इसकी पी के वैल्यू टेन पॉइंट वन सेवन हो जाती हैं और दोनों मिथाइल ग्रुप इसकी ऑर्थो पोजिशन पे होते हैं तो इसकी वैल्यू टेन पॉइंट सिक्स जीरो होती है यानी किसी भी कंपाउंड में अगर पी के वैल्यू कम होती हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है अगर पी के वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो वो उस सीरीज़ का वीक एसिड हो जाता है अब मान लो हमें इन दोनों कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो सबसे पहले हम एसिडिक हाइड्रोजन को रिलीज करके उनके कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन कर लेते हैं और कंजुगेट बेस बनाने के बाद अगर उसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है तो बहुत बार हमको ये भी देखना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके किस एटम पर जा रहे हैं जैसे अभी इन दोनों कंजुगेट बेस पे इनिशियली इलेक्ट्रॉन एन के ऊपर थे यानी दोनों में ही एन नेगेटिव था जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसमें माइग्रेट करते हैं तो पहली वाली आर में इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन करने से ओन एक्टिव की फॉर्मेशन हो जाती है इसी तरह से दूसरी वाली आर एस में इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन करने से एस नेगेटिव की फॉर्मेशन हो जाती है अगर हम इसमें ओनेक्टिव और एस नेगेटिव को कंपेयर करते हैं तो साइज के कारण एस नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए इन दोनों कंजुगेट बेस में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण इसके एसिड acid की एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी जिसको हम इसके पी के ए वैल्यू से कंफर्म कर सकते हैं अगर हम इसके पी के वैल्यू की बात करें तो फर्स्ट कंपाउंड की पी के वैल्यू फिफ्टीन के आसपास होती हैं जबकि सेकेंड कंपाउंड की पी के ए वैल्यू थर्टीन के आसपास होती है और किसी भी कंपाउंड की अगर पी के वैल्यू कम होती है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है अब अगर मान लो किसी कंपाउंड में कोई ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जिसमें एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो तो ऐसी कंडीशन में उससे बनने वाला कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जैसे इन दोनों कंपाउंड में अगर हमको एच ए और एच बी की एसटिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन दोनों को रिमूव करके इनके कोरस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन कर लेंगे अब इन दोनों कंजुगेट बेस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें यहाँ पर दो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है जबकि इसमें यहाँ पर दो सल्फर एटम प्रेजेंट है अब इसके कारण सबसे बड़ा डिफरेंस ये होगा क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोन नेगेटिव हैं इसलिए ये नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेंगे इसका मतलब ये हुआ इन दोनों ही केस में इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के कारण डेवलप होने वाला माइनस आई इफेक्ट होगा यानी माइनस आई इफेक्ट इसमें ऑक्सीजन के थ्रू भी होगा और इसमें माइनस आई इफेक्ट सल्फर के थ्रू भी होगा बट सबसे बड़ा डिफरेंस ये आएगा सल्फर में एम्प्टी ऑर्बिटल होने के कारण इसके नेगेटिव चार्ज सल्फर के एम्प्टी ऑर्बिटल में माइग्रेट कर जाएंगे यानी इसमें सल्फर का माइनस एम इफेक्ट होगा जबकि ऑक्सीजन में एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण उसमें माइनस एम इफ़ेक्ट शो नहीं हो सकता इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हमारे पास कंजुगेट बेस है इसमें इस नेगेटिव चार्ज या कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी माइनस आई और माइनस एम दोनों फैक्टर डिसाइड कर रहे हैं जबकि इस वाले कंजुगेट बेस में इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सिर्फ माइनस आई से हो रही है इसलिए इन दोनों कंजुगेट बेस में अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो इसका कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी इसलिए इस एसिड acid की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास चार टाइप के कंपाउंड है जिसमें मिथेन टोलविन डाइफिनाइल मिथेन ट्राइफिनाइल मिथेन है और इनकी हमको एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो सबसे पहले इन कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके इनके कांजुगेट बेस बना लेते हैं और कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं सी एच फोर का बनने वाला सी यानी कंजुगेट बेस में इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज लोकलाइज होता है जबकि इन तीनों के कंजुगेट बेस में बनने वाला नेगेटिव चार्ज रिंग में माइग्रेट कर सकता है तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल किसका कंजुगेट बेस होगा सबसे ज्यादा स्टेबल इस कंपाउंड का कंजुगेट बेस होगा क्योंकि जब आप ये एच निकालोगे इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बनेगा और ये नेगेटिव चार्ज इन तीन में माइग्रेट कर पाएगा इसलिए इस कंपाउंड का कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और सी एच फोर का कंजुगेट बेस सबसे लीस्ट स्टेबल होगा इन तीनों में इन तीनों अगर बात करें सबसे ज्यादा स्टेबल ये फिर ये होगा क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज दो रिंग में जाएगा और फिर ये होगा इसमें नेगेटिव चार्ज एक रिंग में जाएगा और ये लिस्ट टेबल होगा क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज लोकलाइज होगा इस बेस पे अगर हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखें इसकी एसिडिटी का जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से आना चाहिए और हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई कंपाउंड की एसिडिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है उसकी के ए वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और उसकी पी के ए वैल्यू कम से कम होनी चाहिए एसिडिटी के इस ऑर्डर को हम इसकी पीके वैल्यू के साथ कोरिलेट कर सकते हैं जिस कंपाउंड की पीके वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो कंपाउंड उतना पुअर एसिड होता है और जो कंपाउंड की पीके वैल्यू जितनी कम होती है वो कंपाउंड उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इन सभी फैक्टर्स के अलावा कंपाउंड की एरोमेटिसिटी भी एसिडिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कंपाउंड दिए गए हैं और इसमें हमको एच ए और एच बी की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है अगर दोनों कंपाउंड को देखें तो यहाँ पर एक एसपी थ्री कार्बन प्रेजेंट होने के कारण ये हक्क रूल से दोनों ही कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होते हैं जब यहाँ से एच हाँ ए को रिमूव कर दिया जाता है तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती है इसके रेट को को हमने के वन मान लिया है और इसी तरह इस कंपाउंड में इस एच बी को रिमूव कर दें तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की मिशन होती है और ये हमारे पास इसका रेट कांस्टेंट k2 मान ली है अगर इन दोनों कंपाउंड जो कि कंजुगेट बेस हैं इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करें तो इसमें टोटल सिक्स पे इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है और सिक्स पे इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ये कंपाउंड ये कंजुगेट बेस एरोमेटिक बन जाता है इसी तरह इसमें टोटल 8 पे इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है और जिसके कारण ये कंजुगेट बेस एंटी एरोमेटिक होता है यानी इन दोनों कंजुगेट बेस में ये जो कंजुगेट बेस होगा वो एरोमेटिक है इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि हेड रूल में हमने देखा था जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी होती है उसमें एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे स्टेबल होते हैं इसलिए इन दोनों कंजुगेट बेस में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आती है और जिस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा आती है उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है यानी कि इन दोनों कंपाउंड में ये कंपाउंड ज्यादा अच्छा एसिड होगा या हम ऐसा कह लें इन दोनों हाइड्रोजन में से जो हाइड्रोजन एच ए होगा वो ज्यादा अच्छा एसिडिक होगा इसलिए उसकी के वैल्यू ज्यादा होगी या इन दोनों रेट कॉन्स्टेंट की बात करें तो कंपाउंड फर्स्ट जो होगा अपने इस एच ए को जल्दी रिमूव करेगा इस कारण से इसका जो के होगा वो के टू से ज्यादा आएगा अब इसमें के वन ज़्यादा क्यों आया क्योंकि यहाँ पे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड इस एच को रिलीज़ करके एरोमेटिक बन रहा है जबकि इसमें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड इस एच को रिलीज करके एंटी एरोमेटिक बन रहा है, है। यानी कि इसमें इस कंपाउंड को प्रॉफिट हो रहा है इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है जबकि इसमें इस कम्पाउंड की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है यानी इसको लॉस हो रहा है इसी कारण से इन दोनों रेट कॉन्स्टेंट में की value, के की वैल्यू के से बहुत ज़्यादा होगी अब यहाँ पे हमारे पास चार टाइप के कंपाउंड है जिसमें से एक थैलेमाइड है एक अमाइड है एक एनिलीन है और एक हमारे पास एलिफेटिक अमीन है अगर इन चारों कंपाउंड में हमको एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो सबसे पहले इनके एक एक एच को रिमूव करके इनके कंजुकेट बेस की फॉर्मेशन कर लेते हैं अब इन चारों कंजुगेट बेस में से सिर्फ ये जो कंजुगेट बेस होगा इस पे ही नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज लोकलाइज होगा बाकी सभी तीनों केस में नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डीलोकलाइज होगा अगर हम फर्स्ट को देखें तो इसमें नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो दो बार इस सी डबल बॉन्ड ओ के साथ माइग्रेट कर सकता है यानी दोनों सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कंजुगेशन में है जबकि सेकेंड में ये नेगेटिव चार्ज केवल एक सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कंजुगेशन में है और इस तरह से माइग्रेट कर सकता है और अगेन इस तरह से थर्ड में भी ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन में माइग्रेट कर सकता है अगर हम इसको कंसिडर करें कि इसमें जो एक एन नेगेटिव है अगर ये माइग्रेट करता है तो इस एन नेगेटिव से हमारे पास दो ओ नेगेटिव बनने की पॉसिबिलिटी है और इसी तरह इस वाले से एक एन नेगेटिव से हमारे पास ओ नेगेटिव बन सकता है और तीसरे वाले केस में एन नेगेटिव जो बेंजीन के अंदर माइग्रेट करता है तो फॉर्मेशन हो सकती है कंफर्म तो हो गई अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात की जाए तो लास्ट वाला जो होगा जिसमें लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसमें सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा अब बात रही इन तीनों की तो इसमें दो बार कंजुगेशन है इसलिए जो फर्स्ट वन है इसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी अब अगर इन सेकेंड और थर्ड को कंपेरिजन करें दोनों में एक एक बार कंजुगेशन हो रहा है बट इसमें एन नेगेटिव से ओ नेगेटिव बनता है और इस वाले केस में एन नेगेटिव से सी नेगेटिव बन रहा है हालांकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होंगी वो ज्यादा होंगी बट इन दोनों में से स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा आएगी जिसके दो रीजन होंगे पहला रीजन तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एन नेगेटिव से ओ नेगेटिव बन रहा है और इसमें एन नेगेटिव से सी नेगेटिव बन रहा है इसलिए इसकी आर एस ज्यादा स्टेबल होंगी दूसरा कंपेरिजन का तरीका यह है कि इसमें जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नीचे की साइड आएंगे तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी होगी। इसलिए इन दोनों में से स्टेबिलिटी जो होगी वो इसकी ज्यादा आएगी तो सबसे ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होने के कारण इसकी एसडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कुछ इस तरह से आएगा अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कंपाउंड है एक हमारे पास आयन है और दूसरा हमारे पास साइनो एनिलियमाइन है तो इन दोनों कंपाउंड में किसकी एसिडिक एसिडिकेंज ज्यादा होगी इसको एक्सप्लेन करने के दो तरीके हैं पहला तरीका यह है इन दोनों कंपाउंड में से जो लेस स्टेबल होगा वो ज़्यादा अच्छा एसिड होगा और दूसरा तरीका यह है इन दोनों में से एच पॉजिटिव को रिलीज करने के बाद इनके कॉन्जुगेट बेस को ड्रॉ कर लेते हैं और जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उस कंपाउंड का एसिड उतना अच्छा एसिड होगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कंपाउंड की स्टेबिलिटी पर क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन के चार बॉन्ड बने हुए हैं इसलिए दोनों ही नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए इस केटाइन की हेल्प इस बेंजीन के प्लस एम के थ्रू नहीं हो सकती क्योंकि तो अगर बेंजीन अपने बोंड को इधर माइग्रेट करेगा और प्लस एम शो करेगा तो इन दोनों नाइट्रोजन में पाँच बॉन्ड बन जाएंगे और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन टेन हो जाएंगे नाइट्रोजन इस केस में अपना ऑक्टेट एक्सपायर नहीं कर सकता है ऐसी कंडीशन में दोनों ही कंपाउंड बेंजीन का प्लस एम शो नहीं कर सकते तो इसको स्टेबिलिटी को समझने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं इन दोनों बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनडेंसिटी किसमें ज़्यादा है क्योंकि इन दोनों बेंजीन रिंग में डिफरेंस क्या है यहाँ पे सी ग्रुप लगा हुआ है अगर सी ग्रुप के इफेक्ट को देखें तो सी में दो इफेक्ट होते हैं जिसमें से माइनस एम इफेक्ट इसके माइनस आई पे डोमिनेट होता है इसका मतलब ये हुआ इन दोनों कंपाउंड में सेकेंड कंपाउंड में सी एन एक्स्ट्रा ग्रुप है जो इसमें से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा यानी अगर इस रिंग को ए मान लिया जाए और इस रिंग को बी मान लिया जाए और दोनों रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कंसिडर किया जाए तो जो कंपाउंड फर्स्ट की जो ए रिंग होगी उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपाउंड सेकेंड की बी रिंग से ज़्यादा होगी अब इससे होगा क्या इससे हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि इस कंपाउंड की रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है जबकि इस कंपाउंड की रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो चुकी है यानी यहाँ पर डेफिशिएंसी जनरेट हो चुकी है और इस पॉजिटिव चार्ज पर पहले ही डेफिशियसी है अब ये जो डेफिशिएंसी जनरेट होगी ये इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन को खींचेगी जिससे इस पॉजिटिव चार्ज में स्टेबिलिटी और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी जबकि इस रिंग में इलेक्ट्रोनिसी ज़्यादा होने के कारण ये एक पोल की तरह बिहेव करेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव पोल बन गया यहाँ पे नेगेटिव पोल बन गया इसलिए इन दोनों कंपाउंड में से इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी जबकि इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी इसलिए इन दोनों कंपाउंड में से ये जो सेकेंड नंबर का कंपाउंड होगा ये यहाँ से एक एच पॉजिटिव को रिलीज करेगा और इन दोनों में से एसिडिटी का जो ऑर्डर आएगा सेकेंड कंपाउंड की एसिडिटी ज़्यादा आएगी अब एक तरीका और है जिससे हम इसकी एसिडिटी को कंपेयर कर सकते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं दोनों ही कंपाउंड से एक एक एस पॉजिटिव को रिलीज कर देते हैं और इनके कॉन्जुगेट बेस को ड्रॉ करते हैं कंपाउंड फर्स्ट से एच पॉजिटिव को रिलीज़ करने के बाद इसका सी बी कुछ इस तरह से दिखाई देगा और कंपाउंड सेकंड से एच पॉजिटिव को रिलीज करने के बाद इसका सी बी इस तरह से दिखाई देगा अब बात करते हैं इन दोनों कंपाउंड की स्टेबिलिटी पर क्योंकि इन दोनों ही कंपाउंड में एन एस टू अपना प्लस एम इफेक्ट शो करेगा और ये प्लस एम इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में माइग्रेट करेगा और इसी तरह सेकेंड कंपाउंड में भी होगा सेकेंड कंपाउंड में एक्स्ट्रा सी एन होने के कारण अब सी एन अपना माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट के थ्रू इसमें इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन को एक्सटेंड कर देगा या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में टोटल फोर आर एस बनेगी जबकि इस कंपाउंड में सी एन के कारण एक एक्स्ट्रा आर एस बनेगी तो टोटल इसमें फाइव आर एस बनेगी जिस कंपाउंड में जितनी ज़्यादा आर एस होती है या इलेक्ट्रॉन का जितना ज़्यादा कंजुगेशन होता है उसके बेस पे उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें कंजुगेशन हो रहा है और इसके कंजुगेशन को हम सी एन ग्रुप के कारण एक्सटेंडेड कंजुगेशन कह सकते हैं तो इन दोनों सी बी में से जो कंपाउंड सेकेंड का सी बी होगा वो सी बी ज़्यादा स्टेबल होगा और अभी हमने देखा था जिस कंपाउंड का सी बी ज़्यादा स्टेबल होता है उस कंपाउंड के एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है यानी दोनों ही थ्योरी से हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो साइनो आयन होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एनिलिनियम आयन से ज्यादा होती है रेजोनेंस के दौरान पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल या रिंग का प्लेनरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है जैसे यहाँ पर इन दोनों कंपाउंड में हमको एच ए और एच बी की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है दोनों ही कंपाउंड में कॉमन फैक्टर क्या है कि दोनों ही कंपाउंड में तीन तीन बेंजीन रिंग प्रेजेंट है अगर यहाँ से एच ए को रिमूव करके हम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है अब ये नेगेटिव चार्ज तीनों ही बेंजीन रिंग में माइग्रेट कर सकता है और इसी तरह कंपाउंड सेकेंड का एच बी को रिमूव करके जब कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है जो कि तीनों रिंग में आसानी से कंजुगेशन होने के थ्रू माइग्रेट कर सकता है तो फिर इसमें डिफरेंस क्या आया इसमें डिफरेंस आया कि यहाँ पर तीनों रिंग में से केवल दो ही रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं। ये यह रिंग यहाँ पर इंडिविजुअली हैं। और इस कार्बन कार्बन सिंगल बोर्ड के रोटेशन के कारण समटाइम्स इसकी प्लेनरिटी इन दो रिंग की प्लेनरिटी के साथ मैच नहीं हो पाती जबकि यहाँ पर तीनों रिंग आपस में जुड़ी हुई है इसलिए पूरा सिस्टम प्लेनर बना रहता है और आसानी से इसमें नेगेटिव चार्ज कंजुगेट करता है इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों कंपाउंड में से इस कंपाउंड का जो सी होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा अगर इसका सी ज़्यादा स्टेबल है तो ये कंपाउंड इस कंपाउंड के कम्पेरिजन में स्ट्रांग एसिड होगा और स्ट्रोंग एसिड के लिए उसकी के बी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और पी के ए वैल्यू कम होनी चाहिए और इसके इस रिजल्ट को हम इसकी पी के ए वैल्यू के साथ आसानी से को रिलेट कर सकते हैं अगर कंपाउंड फर्स्ट की पी के ए वैल्यू देखें तो इसकी पी के वैल्यू एट्टीन पॉइंट फाइव होती है जबकि कंपाउंड सेकेंड की पी के वैल्यू एलेवन होती है इसकी पी के वैल्यू कम होने का कारण यह है कि यह कंपाउंड इस कंपाउंड के कम्पेरिजन में स्ट्रोंग एसिड है अगर किसी मॉलिक्यूल में सभी फैक्टर्स कॉमन है तो ऐसी कंडीशन में कई बार इंडक्टिव फैक्ट उस पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसको समझने के लिए हम एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं यहाँ पे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिस पे ए उसका कोई एटम है जिसके साथ एच जुड़ा हुआ है तो इसमें यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एच जो होगा ये एसिडिक एच है और इसके थ्रू ये एच जब एच पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज होता है तो इस ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है यानी ये इससे हमारे पास कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन हो जाती है अब इस ए इन्गेक्टिव यानी कंजुगेट बेस पर ये आर अगर इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है तो इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी घट या बढ़ सकती है अब डिपेंड करता है इसमें आर कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है तो इसके हम दो केस को एज्यूम कर सकते हैं पहले केस में हम ये मान लेते हैं कि इसमें आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखता है अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखता है तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इस ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन एसिटी बढ़ती जाएगी जिससे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होने से इसके कंजुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी अगर कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो गई है तो इस एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो डिक्रीज हो जाएगी यानी के ए वैल्यू इसकी कम हो जाएगी जबकि पी के ए वैल्यू जो होगी वो इसकी इंक्रीज हो जाएगी अब बिल्कुल इसका रिवर्स मान लो इस आर के जगह पर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और जैसे ही इसे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेंगे इस कंजुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी यानी स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस इंक्रीज हो जाएगी और कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी जब इंक्रीज होती है उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, acid जाएगी। यानी कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी या के वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी और पी के वैल्यू जो है इसकी डिक्रीज़ हो जाएगी इसको अच्छे से समझने के लिए हम एल्कोहल को एज्यूम कर लेते हैं मान लीजिए हमारे पास कोई एल्कोहल है यानी इसका ओ एच ग्रुप sp3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और इस एल्कोहल को एसिडिक मानते हुए यहाँ से एक H पॉजिटिव को रिलीज करते हैं और इससे एल्कोक्साइड आयन यानी इसके कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन कर लेते हैं बिल्कुल इसी तरह इसमें अगर आर की वैल्यू इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होंगे तो इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी जिससे इस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी के ए वैल्यू बढ़ जाएगी या ऐसा कह लें इसकी पी के वैल्यू कम हो जाएगी बिल्कुल इसका रिवर्स अगर हमने इसमें आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखें तो इस कंजुगेट बेस पर रिपल्शन के कारण स्टेबिलिटी घट जाएगी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी इससे के ए वैल्यू डिक्रीज होगी और के ए वैल्यू डिक्रीज होने से इसकी जो पी के वैल्यू होगी वो इंक्रीज हो जाएगी एग्जाम्पल नंबर बीस इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो एल्कोहल दिए गए हैं दोनों एल्कोहल में डिफरेंस ये है कि इसमें हमारे पास क्लोरीन प्रेजेंट है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इन दोनों एल्कोहल में एच को रिमूव करके उसके कंजुगेट बेस को बना लेते हैं कंजुगेट बेस को बनाने के बाद इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंसिडर करते हैं चूंकि इसमें सी प्रेजेंट है और सी एल पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम की तरह एक्ट करते हैं दूसरी इसमें स्पेशलिटी क्या होती है इन दोनों कंजुगेट बेस में ये जो ओन एक्टिव के ऊपर का चार्ज होता है ये लोकलाइज चार्ज होता है। इसलिए इसमें अब मिजोमेरी का कोई रोल नहीं रहता है सारा खेल इसमें इंडक्टिव का रहता है तो इस कंजुगेट बेस में यहां का जो कार्बन का पार्ट होता है ये इस पे प्लस इफेक्ट जनरेट करता है और प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ओ की साइड मूव हो जाती है इसी तरह से ये जो हमारे पास कंजुगेट बेस होता है इसमें क्लोरीन होता है और इस Cl एटम की हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण अब ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है और इससे इलेक्ट्रॉन सी एल की तरफ मूव हो जाते हैं इस कारण से इस ओ के ऊपर इलेक्ट्रोनिस्टी डिक्रीज़ हो जाती है जबकि इस ओ पर इलेक्ट्रोनिस्टी इंक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रोनिस इंक्रीज होने से इसमें रिपल्शन बढ़ जाता है और रिपल्शन होने के कारण इस कंजुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है जबकि इस केस में इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करें हैं इसलिए इन दोनों में से इस कंजुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण इससे जो एसिड होगा वो ज़्यादा अच्छा एसिड होगा यानी इसमें इस एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी या के ए वैल्यू जो आएगी वो ज्यादा आएगी एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी वन इस एग्जाम्पल इस में अगेन हमारे पास दो एल्कोहल दिए गए हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां से एच को रिलीज करते हुए इनके कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन कर लेते हैं अब दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि दोनों में क्लोरीन तो प्रेजेंट है बट इसकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट है यानी पहले वाले केस में क्लोरीन इस ओनेगटिव के रिस्पेक्ट में दो कार्बन की दूरी पे है जबकि इस केस में क्लोरीन इस ओनेक्टिव के रिस्पेक्ट में तीन कार्बन की दूरी पे है चूंकि क्लोरीन इसमें इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा और दोनों ही केस में क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट शो होगा बट डिफरेंस क्या आ जाएगा क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट चाहे वो प्लस आई हो चाहे वो माइनस आई हो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो पहले केस में क्लोरीन ज़्यादा नज़दीक है इसलिए बेटर माइनस आई लगाएगा जिससे ओ ओनेक्टिव से इलेक्ट्रॉन ओन को अपनी तरफ विड्रॉल कर लेगा जबकि दूसरे वाले केस में क्लोरीन दूरी पे होने के कारण उतना इफेक्टिवली माइनस आई नहीं लगा पाएगा इसलिए इस ओनेक्टिक इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड विड्रॉल नहीं कर पाएगा यानी इन दोनों कॉन्जुकेट बेस में से ये वाला कंजुकेट बेस जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा इसीलिए इस एसिड acid की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इसी कॉन्सेप्ट को हम कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं मान लो हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है सबसे पहले इसमें से एक एच पॉजिटिव को रिलीज करके इसके कार्बोक्सिलेट आयन को ड्रॉ कर लेते हैं वास्तव में जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है इसका कंजुगेट बेस होता है क्योंकि हमको ये पता है कि इस कार्बोक्सिलेट आयन से दो इक्वल आर एस पॉसिबल हैं अगर इसका हम रेजुनियस हाइब्रिड बनाएं तो इसका रेजुनस हाइब्रिड कुछ इस तरह से शो होगा अब इसके रेजोनेंस हाइब्रिड में होगा क्या इस ओ नेगेटिव से दूसरा ओ नेगेटिव बन रहा है तो इसका जो ये कार्बन होगा इस पर भी नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है अब इस नेगेटिव चार्ज पर इस आर का क्या इम्पैक्ट है इसके बेसिस पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कंसिडर करेंगे चूंकि इस केस में आर इस पे इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट करेगा तो आर के दो इफेक्ट हो सकते हैं पहला तो इसमें प्लस आई हो सकता है और दूसरा इसमें माइनस आई हो सकता है यानी कि इस केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि आर जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण ये अपना माइनस आई इफेक्ट शो करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिससे इस कार्बन के ऊपर चार्ज की जो स्टेबिलिटी होगी या इस कंजुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी और इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होने से इस एसिड acid की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी या के ए वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी या फिर इसकी पी के वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी बिल्कुल इसके रिवर्स केस में जब आर की वैल्यू हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखें तो ऐसे ग्रुप जो होंगे इसमें प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे जिससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन की तरफ मूव करेंगे और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से रिपल्शन बढ़ जाएगा और रिपल्शन बढ़ने से इस कंजुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी है वो घट जाएगी इस कारण से इसका जो एसिड होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी घटेगी और उसका जो के वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगा या उसका पी के ए वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड दिए गए हैं अगर आर की वैल्यू की बात की जाए तो इसमें आर की वैल्यू सी एफ थ्री है इसमें नाइट्राइल ग्रुप है और इसमें सी एस थ्री ग्रुप है तो सबसे पहले इन तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड से यहाँ से एक एच को रिमूव करते हुए इनके कंजुगेट बेस यानी कार्बोक्सिलिट आयन बना लेते हैं जो कि आयन में टू इक्वलेंट आर एस होती है और उसके हाइब्रिड में हमने देखा था कि इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है अब इस नेगेटिव चार्ज पर ये जो आर ग्रुप होंगे ये इस पर अपना इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे जैसे इस केस में जो सी एफ थ्री ग्रुप होता है वो इसके ऊपर अपना माइनस आई शो करेगा और इसी तरीके से ये जो नाइट्राइल ग्रुप होगा इसके ऊपर अगेन माइनस आई शो करेगा और ये जो सी एस थ्री ग्रुप होगा ये इस पे अपना प्लस आई इफेक्ट शो करेगा यानी प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है जबकि माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग इफेक्ट होता है अब यहाँ पर दोनों का माइनस आई इफेक्ट है तो इसमें किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो जी में हमने देखा है कि जो सी एफ थ्री ग्रुप होता है इसका माइनस आई नाइट्रल ग्रुप से ज़्यादा होता है यानी इसलिए हमने क्या करा कि सी एफ थ्री के शायद इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दी अब इससे होगा क्या कि जहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज था सबसे ज़्यादा इसमें स्टेबल होगा क्योंकि सबसे ज्यादा सी एफ थ्री ग्रुप उससे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा उसके बाद इस केस में स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ से यह नेटुरल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा जबकि तीसरे केस में क्या होगा ये सी एस थ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर देगा और इस कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज होगा उस पर रिप्रेशन बढ़ने से इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी इसका मतलब ये हुआ अगर इन तीनों कॉन्जुकेट बेस की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो इनका ऑर्डर जो है कुछ इस तरह से आता है एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने एक चीज़ नोट ये करी है कि अगर इसका कॉन्जुकेट बेस स्टेबल होता है उस मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है तो इसमें इसका ऑर्डर कुछ इस तरह से आएगा अब इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और ये इस सीरीज का वीकेस्ट एसिड है इस ऑर्डर को हम इसके पी ए वैल्यू के थ्रू भी कंफर्म कर सकते हैं अगर इसमें हम पी ए वैल्यू को नोट करें तो पहले केस जिसमें आर की वैल्यू सी एफ थ्री है इसमें जो पी ए वैल्यू होती है वो हमारे पास पॉइंट फाइव के आसपास होती हैं और इसी तरह सेकंड केस में जब आर की वैल्यू नाइट्राइल ग्रुप रखी गई है ऐसे केस में इसकी पी के वैल्यू टू पॉइंट फाइव होती हैं और एसिडिक एसिड की पी के ए वैल्यू फोर पॉइंट सेवन होती है इसका मतलब ये हुआ जिस मॉलिक्यूल की पी के ए वैल्यू सबसे कम होगी वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जिसकी पी के ए वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो उस सीरीज का सबसे वीकेस्ट एसिड होगा एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी थर्ड अगर मान लो हमारे पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये कंफर्म हो जाए कि ये क्वेश्चन इंडक्टिव इफेक्ट का है ऐसी कंडीशन में समय की बचत करने के लिए कार्बोक्सिलेट आयन ना बनाकर यानी कंजुगेट बेस ना बनाकर सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है उस पर हम डेल नेगेटिव चार्ज को जनरेट कर लेते हैं ऐसा करने के बाद बचे हुए ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर करते हैं जैसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पर एच होने के कारण यहाँ पर कोई भी इफेक्ट शो नहीं होगा क्योंकि एच का कोई भी इफेक्ट नहीं होता और बाकी तीनों में अल्काइल ग्रुप होने के कारण यहाँ पर इनमें प्लस आई इफेक्ट शो होगा अब डिफरेंस क्या आएगा कि यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट है वो कार्बन की संख्या पर डिपेंड करता है चूंकि इस हिस्से में कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होने के कारण इसका प्लस आई सबसे डोमिनेंट होगा और सबसे कम इस मिथाइल ग्रुप का प्लस आई होगा और उसके बाद इस इथाइल ग्रुप का प्लस आई मिथाइल ग्रुप से ज़्यादा होगा इसका मतलब ये हुआ अगर हम इसको छोड़ दें तो इन तीनों ही केस में एच निकलने के बाद इसका जो कॉन्जुकट बेस होगा उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी यानी कि इसमें प्लस आई इफेक्ट मिथाइल से डिक्रीज होगी और इसमें सबसे बड़े प्रेशरीबूटाइल ग्रुप से डिक्रीज होगी यानी कि इन तीनों ही केस में सबसे लेस स्टेबल इसका कंजुगेड बेस होगा और इन तीनों ही केस में सबसे ज़्यादा स्टेबल इसका कंजुगेड बेस होगा इसके बेस पे अगर हम इसके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से आएगा अब इसके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को हम इसकी पी के ए वैल्यू से भी कंफर्म कर सकते हैं जैसे फॉर्मिक एसिड यानी फर्स्ट वाले एसिड की जो पी के वैल्यू होगी वो 3.75 के आसपास होती है और इसी तरह एसिडिक एसिड में ये वैल्यू 4.75 होगी और जब इथाइल ग्रुप लगा होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास फोर हो जाएगी और सबसे लास्ट वाले में ये वैल्यू 5.02 होगी क्योंकि सबसे लास्ट में पी के ए वैल्यू सबसे ज्यादा है इसका मतलब यह हुआ ये कंपाउंड या ये एसिड जो होगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी और इसकी पी के ए वैल्यू सबसे कम है इसलिए फॉर्मिक एसिड की इस सीरीज में एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी अब बात करते हैं डी रूल की अगर इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन को डील किया जा रहा है तो इसमें कई बार हमको इस डी रूल को यूज करना पड़ता है इस डी रूल में डी का मतलब डिस्टेंस है एन का मतलब नंबर है और पी का मतलब पावर है डिस्टेंस का मतलब कोई भी प्लस आई या माइनस आई वाला ग्रुप कितनी दूर है कितने नंबर में है और उसका ऑर्डर प्लस आई माइनस आई सीरीज से उसका ऑर्डर क्या है एग्जांपल नंबर ट्वेंटी फोर में हमारे पास चार तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड दिए गए हैं इन सब में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें एक भी एफ एटम प्रेजेंट नहीं है इसमें एक है इसमें दो है और इसमें तीन एफ एटम प्रेजेंट है एफ एटम माइनस आई इफेक्ट शो करता है इसलिए इन तीनों का जो कंजुगेट बेस होगा वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेगा क्योंकि अभी हमने देखा था जब इसका कंजुगेट बेस में हमने आरिश ड्रो करा था तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ था और इसलिए लास्ट के जो तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें फ्लोरिन इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा इसलिए ये तीनों जो होंगे इसके कंपैरिजन में बेटर एसिड होंगे अब इन तीनों में से इस वाले केस में तीन इफेक्ट होने के कारण ये नेक्टिचर ज़्यादा स्टेबल होगा इसलिए ये इस सीरीज का स्ट्रोंगेस्ट एसिड होगा इसको हम इसके पीके वैल्यू से भी कन्फर्म कर सकते हैं इसकी पीके ए वैल्यू सबसे कम होने के कारण तीन फ्लोरिन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा और इसमें एसिडिक एसिड acid का पीके ए वैल्यू सबसे ज़्यादा होने के कारण इस सीरीज का एसिडिक एसिड acid सबसे वीक एसिड होगा इसी तरह से हमारे पास ब्यूटेनिक एसिड और उसके क्लोरो डेरिवेटिव दिए गए हैं अगर इन क्लोरो डेरिवेटिव को देखें तो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि क्लोरीन की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले इन चारों का यहाँ से एच रिलीज करने के बाद कंजुगेट बेस को बना लेते हैं और इस कंजुगेट बेस में हमने देखा है कि इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है और इस नेगेटिव चार्ज को जो जितना ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा उस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और साथ में उस एसिड acid की एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी चूंकि इसमें क्लोरीन सबसे नज़दीक होता है इसलिए जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से एच को रिलीज करता है इसका कंजुगेट बेस बनता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये क्लोरीन उसको माइनस आई से स्टेबलाइज़ करता है क्योंकि इसमें क्लोरीन दूर हो गया है इसलिए यहाँ के नेगेटिव चार्ज को लेस स्टेबलाइज करेगा और इसमें क्लोरीन और भी दूर हो जाता है जो इसके नेगेटिव चार्ज को और कम लेस स्टेबलाइज करेगा क्योंकि इसमें क्लोरीन प्रेजेंट ही नहीं है इस कारण से ये तीनों जो क्लोरो कार्बोक्सलिक एसिड होंगे वो इससे ज़्यादा स्ट्रांग एसिड होंगे और इन चारों में अगर ऑर्डर की बात करें जिसमें सी एल सबसे नज़दीक होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी यानी इन चारों में जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा इस ऑर्डर को हम इसके पी के वैल्यू से भी कन्फर्म कर सकते हैं अगर हम इसके पी के वैल्यू देखें तो इस ब्यूटेनोइ एसिड की जो पी के वैल्यू है वो फोर पॉइंट एट होती है और इसकी हमारे पास पी के वैल्यू फोर पॉइंट फाइव हो जाती हैं और इसकी पी के वैल्यू फोर पॉइंट वन होती है और इसकी टू पॉइंट एट होती हैं इसका मतलब ये हुआ किसी भी कंपाउंड की अगर पी के वैल्यू कम होती है वो कंपाउंड स्ट्रोंग एसिड होता है अगर उसकी पी के ए वैल्यू ज्यादा होती है तो वो कंपाउंड उस सीरीज का वीकेस्ट एसिड होता है एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी फिफ्थ इन तीनों ही एग्जाम्पल में हमारे पास अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है अगेन हम इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का कांजुकेट बेस ना बनाकर इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के इस कार्बन पर डेल एक्टिचा जनरेट कर लेते हैं यानी कि हमने ऐसा कर लिया कि इसका रेजोन हाइब्रिड में इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया अब इसके साथ जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका इंडक्टिव इफेक्ट को नोट कर लेते हैं जैसे पहले वाले केस में इस इथाइल ग्रुप का प्लस इफेक्ट होगा दूसरे वाले केस में इस डबल बॉन्ड का माइनस इफेक्ट होगा और तीसरे वाले केस में इस ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होगा इन दोनों माइनस आई में से ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के परसेंटेज इस ज्यादा होने के कारण इससे बेटर माइनस आई इफेक्ट लगेगा इसका मतलब ये हुआ ये जो कंपाउंड होगा जब अपना एच को, को रिलीज करेगा तो इसका जो कॉन्जुकेट बेस बनेगा उसमें इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और इस ग्रुप के स्ट्रॉन्ग माइनस आई के कारण इसका कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और इसका कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा लीस स्टेबल होगा क्योंकि इसमें इथाइल ग्रुप के कारण इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और इस एसिड के कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा यानी इसके अकॉर्डिंग इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो कुछ इस तरह से आएगा इस एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को हम इसकी पीके वैल्यू के थ्रू भी कंफर्म कर सकते हैं इस कंपाउंड की पीके वैल्यू सबसे कम आने का मतलब ये है कि इस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और इस कंपाउंड की पीके वैल्यू सबसे ज़्यादा आने का मतलब ये है कि इस सीरीज में इस एसिड acid की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी अब यहाँ पे एक बात ये नोट करनी चाहिए कि इन दोनों कंपाउंड में ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसमें से इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा क्यों है क्योंकि ये sp2 टू कार्बन है जबकि ये sp कार्बन है अब हमको इन दोनों कंपाउंड के रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग बात ये नोट करनी है कि इन दोनों कंपाउंड में ये जो हमारे पास सी डबल बोन्ड सी ग्रुप है और ये सी ट्रिपल बोन्ड सी ग्रुप है इसमें इस ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा क्यों है चूंकि ये sp2 कार्बन है जबकि ये sp कार्बन है तो sp कार्बन के परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होते हैं और परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होने के कारण इस ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग पावर होती है वो ज्यादा हो जाती है इसलिए इन दोनों में से इसके माइनस आई इफेक्ट के ज्यादा होने के कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है अब मान लो इस सीरीज का जो विनर कंपाउंड था इस कंपाउंड का कंपेरिजन मैंजिन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करते हैं तो इस कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड के एडजेसेंट वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है जबकि इसमें हमने अभी डिस्कस किया था कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp कार्बन होता है तो इन दोनों में इस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप नेचर ज़्यादा होती है इसलिए इन दोनों में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी इसके हायर एसिडिक होने की नेचर को इसके पीके वैल्यू से भी कंफर्म कर सकते हैं अगर इस कंपाउंड का अगर हम पीके वैल्यू देखें तो इसकी पीके ए वैल्यू जो होती है वो 1.88 होती है जबकि इस कंपाउंड की अगर वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू 4.2 होती है और जिस कंपाउंड की पीके वैल्यू कम होती है वो कंपाउंड ज़्यादा अच्छा एसिड होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम इन दोनों फ्लोरो एल्केन की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं इसके लिए यहाँ से एक एच को रिमूव करके इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस बनाने होंगे जैसे ही इनके कंजुगेट बेस बनाएंगे इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा जो कि दो CF3 ग्रुप के माइनस आई से स्टेबलाइज होगा और इसके कंजुगेट बेस में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा जो तीन सी एफ थ्री ग्रुप के माइनस आई से स्टेबलाइज होगा इसका मतलब ये है इन दोनों कंपाउंड में इस कंपाउंड का जो कंजुगेट बेस होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा और जिस कंपाउंड का कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होता है उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है यानी कि इसमें से ये कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी जिसको इसकी हम पी ए वैल्यू के साथ कोरिलेट कर सकते हैं अगर कोई स्ट्रोंग एसिड है तो उसकी के ए वैल्यू ज़्यादा होगी पी के ए वैल्यू कम होगी अगर इन दोनों कंपाउंड की पी के वैल्यू को कंसिडर करें तो इसकी पी के वैल्यू ट्वेंटी टू होती है जबकि इसकी पी के वैल्यू हमारे पास टेन होती है पी के वैल्यू कम होने के कारण ये कंपाउंड स्ट्रोंग एसिड है बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट को यूज करके हम फिनाइल एसिडिक एसिड और एसिडिक एसिड acid की एसिडिटी को कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर इनकी पी वैल्यू दी गई है और किसी भी कंपाउंड में अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो ऐसी कंडीशन में के ए वैल्यू ज़्यादा होती है और उसकी पी के वैल्यू कम होती है फिनाइल एसिडिक एसिड की पी के वैल्यू कम होने के कारण हम ऐसा कह सकते हैं कि फिनाइल एसिडिक एसिड की एसिडिटी एसिडिक एसिड से ज़्यादा होती है अब इसकी एसिडिटी एसिडिक एसिड से ज़्यादा क्यों होती है इसको समझने के लिए इन दोनों से एच को रिमूव करके इनके कॉन्जगेट बेस को ड्रॉ कर लेते हैं अब इन दोनों के कंजुक्टिड बेस में एक चीज कॉमन है कि ये ओ नेक्टिव के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से माइग्रेट करके एक आर एस और बना सकते हैं यानी इससे दो आर एस बनेंगी इससे भी दो आर एस बनेगी और दोनों की आर एस जो होंगी वो इक्वेलेंट आर एस क्या अब बात करते हैं जब ये इक्वेलेंट आर एस बनती है तो हमने ऐसा देखा है इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है यानी कि इस कार्बन पर जब नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा तो इसके साथ जुड़ा हुआ ग्रुप क्या करेगा यहाँ पर हमारे पास पी एच सी एस टू ग्रुप है जिसका माइनस आई इफेक्ट होता है जबकि यहाँ मिथाइल ग्रुप है जिसका प्लस आई इफेक्ट होता है यानी प्लस आई इफेक्ट के कारण अभी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा जबकि यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट होने हो तो हो के कारण ये इलेक्ट्रॉन को विड्रोल करेगा क्योंकि इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहे हैं तो इस कंजुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होगी वो माइनस आई के कारण इंक्रीज हो जाएगी जबकि यहाँ पर सी एस थ्री के प्लस आई इफेक्ट के कारण इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं इन दोनों में से जो फिनाइल एसिडिक एसिड का कंजुगेट बेस बनेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और जिस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वो कंपाउंड उतना ज्यादा ही स्ट्रांग एसिड होता है इसी कारण से फिनाइल एसिडिक एसिड एसिडिक एसिड के कंपैरिजन में स्ट्रांग एसिड है और इसीलिए इसकी पीकेए वैल्यू कम है तो गाइस आज चार्ज के अलावा इतने सारे फैक्टर्स को हमने इस वीडियो में कंसीडर किया है अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है क्या इन फैक्टर की कोई रैंकिंग या कोई ऑर्डर है तो इसका आंसर ये है कि कंपाउंड में एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते वक्त अगर उसका कंजुगेट बेस नेगेटिव है तो ऐसी कंडीशन में हम पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हैं और इस ऑर्डर में इनकी सीक्वेंस कुछ इसी तरह से रहती है सबसे पहले हम एटम देखते हैं सेकंड नंबर पे रेजोनेंस देखा जाता है थर्ड नंबर पे इंडक्टिव इफेक्ट और फोर्थ नंबर पे इस पे हाइब्रिडाइजेशन या फिर ऑर्बिटल देखा जाता है इसकी सीक्वेंस को हम कुछ इस ऑर्डर से मेमोराइज कर सकते हैं यहाँ ए फोर एटम है आर फोर रेजुनेंस आई फोर इंडक्टिव और एच फोर हाइब्रोडाइजेशन है अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किसी भी कंपाउंड में उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए क्या हमेशा यही ऑर्डर फॉलो होता है कि सबसे पहले एटम देखो फिर रेजोनेंस देखो फिर इंडक्टिव देखो फिर उसमें हाइब्रिडाइजेशन देखो तो इसका आंसर ये है मोस्ट ऑफ केसेस में यही ऑर्डर फॉलो होता है बट इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनके कंजुकेट बेस की स्टेबिलिटी को हम इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसका मतलब ये हुआ कि हमको इस ऑर्डर के साथ साथ किसी भी कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते वक्त या फिर उसके कंजुकेट बेस की स्टेबिलिटी को प्रोडिक्ट करते वक्त बाकी लॉजिक भी लगा के देखनी चाहिए अब हम उन एग्जाम्पल या एक्सेप्शन को डील करते हैं जो इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते जैसे ये दो कंपाउंड हैं इन दोनों कंपाउंड की अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो दोनों से एच पॉजिटिव को रिमूव करके उनके कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं अगर हम इस ऑर्डर की बात करें तो अभी इसमें हमने देखा था कि इसका जो ऑर्डर है वो पहले एटम देखना है फिर रेजोनेंस देखना है फिर इंडक्टिव और फिर हाइपर कंजुगेशन देखना है इसके अकॉर्डिंग अगर हम कंजुगेशन बेस को देखें इनके कंजुगेट बेस में ये एस नेगेटिव है और ये ओ नेगेटिव है इसी वीडियो में हमने देखा था कि एस नेगेटिव ओ नेगेटिव से ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए इन दोनों कंजुगेट बेस में ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए इस कारण से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा आनी चाहिए बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि इसमें ये जो S-नेगेटिव का नेगेटिव चार्ज होता है वो लोकलाइज़ होता है जबकि इस O-नेगेटिव का नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज़ होता है इसमें डीलोकलाइज़ फैक्टर एटम के फैक्टर को डोमिनेट कर जाता है और इन दोनों कंजुगेट बेस में से एक कार्बोक्सिलेट आयन का कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए इसके कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है जिसको हम इसके पी के ए वैल्यू से कंफर्म कर सकते हैं अगर इन दोनों कंपाउंड की पी के ए वैल्यू देखें तो फर्स्ट की पी के वैल्यू टेन पॉइंट सिक्स वन आती है जबकि दूसरे की पी के ए वैल्यू 4.75 आती है और किसी भी अच्छे एसिड के लिए उसकी के ए वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और पी के वैल्यू कम होनी चाहिए इसका मतलब यह हुआ अगर हम इस ऑर्डर को फॉलो करते तो हमारे पास रॉन्ग आंसर आ जाता अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि कहीं भी आप एस नेगेटिव और ओ नेगेटिव देख लो इसमें एक्सेप्शन मान के डील कर लो जैसे अभी हमने ये मेंशन किया है कि मोस्ट ऑफ केसेस में ये ऑर्डर फॉलो होता है जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास दो कंपाउंड है जिसमें से एक फिनोल है और दूसरा हमारे पास थायोल है अगर हमको इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो इन दोनों में से हाइड्रोजन को रिमूव करके इनके कॉन्जुकेट बेस बना लेते हैं चूँकि यहाँ ओनेक्टिव है और यहाँ नेगेटिव है नेगेटिव ओ नेगेटिव के कंपैरिजन में इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एटम पहले लिया गया है तो इस कारण से ये वाला कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए और इसका एसिड जो होगा वो ज़्यादा अच्छा एसिड होना चाहिए अब यहां पर ये ऑर्डर फॉलो होता है अगर इन दोनों कंपाउंड की हम पी के वैल्यू देखें तो थायोल की जो पी के ए वैल्यू होती है वो सिक्स पॉइंट फाइव होती है जबकि फिनोल की पी के ए वैल्यू जो होती है वो टेन होती है इसका मतलब ये हुआ जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी के ए वैल्यू ज़्यादा होगी और पी के ए वैल्यू कम होगी एक्सेप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे हमारे पास तीन कंपाउंड दिए गए हैं जिनको ए बी और सी मान रहे हैं इसमें ए कंपाउंड और सी कंपाउंड में कॉमन चीज ये है कि जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो कार्बन से रिलीज होने वाला है जबकि कंपाउंड बी में एसिडिक हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिलीज होने वाला है इस एक्सेप्शन को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं पहले पार्ट में हम बी और सी का कंपेरिजन करते हैं दूसरे पार्ट में हम ए और बी का कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें बी और सी का कंपैरिजन करते हैं तो कंपाउंड बी और सी को कंपेयर करने के लिए कंपाउंड बी में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके इसका कंजुगेट बेस बना लेते हैं और इसी तरह से कंपाउंड सी में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके कंपाउंड सी का कंजुगेट बेस बना लेते हैं अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं चूँकि यहाँ पे एन नेगेटिव है और यहाँ पे सी नेगेटिव है एन नेगेटिव की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इसलिए इन दोनों कंजुगेट बेस में अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है इसी तरह से अब हम बात करते हैं कंपाउंड ए और बी की इसमें कंपाउंड ए से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसका कंजुगेट बेस बना लेते हैं और इसी तरह बी में से भी एक हाइड्रोजन को तो रिमूव करके इसका कंजुगेट बेस बना लेते हैं अगेन इसमें हम इन दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं क्योंकि इसमें कार्बन एक्टिव है इसमें एन एक्टिव है इसलिए अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें एन एक्टिव इससे ज्यादा स्टेबल होगा इसी तरह से कंपाउंड ए और कंपाउंड सी को भी कंपेयर किया जा सकता है जब कंपाउंड ए से एच निकालेंगे तो इसमें बनने वाला नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन पे है उसका हाइब्रिडाइजेशन एस होगा और इसी तरह जब कंपाउंड सी में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो बनने वाला नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन पे है उसका हाइब्रिडाइजेशन एस होगा तो यानी इन दोनों में से इस एस पी कार्बन के परसेंटेज इस करेक्टर ज़्यादा होने के कारण इसके इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी इसलिए यह कार्बन इस कार्बन के कंपैरिजन में नेगेटिव चार्ज को इजीली होल्ड कर पाएगा इसलिए इन दोनों में से इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो ज़्यादा आएगी इसका मतलब ये हुआ अगर हम इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग इसमें अमोनिया होगा यानी बी होगा और फिर इसके बाद कंपाउंड ए होगा क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज एस पी कार्बन पे होगा और सबसे लिस्ट इसमें सी होगा क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज एस पी टू कार्बन पे होगा अब जितना मैंने यहां आप पे आपको समझाया है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लुक में तो इस ऑर्डर में हमको कोई भी कमी नहीं लग रही बट फिर भी हम इसको एक्सेप्शन कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा फ्लक्चुएशन आया है जिसको हम नॉर्मल तरीके से डील नहीं कर सकते वो फ्लक्चुएशन क्या है वो फ्लक्चुएशन है जब ए और बी की आपस में स्टेबिलिटी कंपेयर की जाती है तो जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी एन से ज्यादा हो जाती है यानी कि इसका मतलब हुआ इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी की बात की जाएगी तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये ना आकर ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन होगा वो नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से होल्ड कर पाएगा इसका मतलब जो हमने ऑर्डर निकाला था ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर था तो फिर इसका नेट ऑर्डर क्या आएगा नेट ऑर्डर ये आएगा कि इसमें जो एल्काइन होगी वो अमोनिया से ज्यादा अच्छी एसिड हो जाएगी यानी ए विल बी स्ट्रोंगर एसिड देन बी और अमोनिया जो है वो एल्कीन से अच्छा एसिड होगा इस पूरे ऑर्डर को हम पी के ए वैल्यू के थ्रू भी कंफर्म कर सकते हैं अगर हम एल्कीन की पी के ए वैल्यू को देखें तो एल्कीन के लिए ये वैल्यू जो है वो 44 के आसपास आती है और इसी तरह अमोनिया के लिए वैल्यू 38 हो जाती है और एल्काइन के लिए अगर ये वैल्यू देखें तो ये वैल्यू और भी घटकर ट्वेंटी फाइव हो जाती है ये हमारे पास इन तीनों के पी डेटा है इसका मतलब ये हुआ अगर किसी कंपाउंड में पी के वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जिस कंपाउंड में पी के ए वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो कंपाउंड उसमें सबसे वीक एसिड होगा एक्सेप्शन नंबर थर्ड इस एग्जांपल में हमारे पास दो कंपाउंड दिए गए हैं और दोनों में जो अंडरलाइन वाला एच है हमको इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो इसके लिए क्या करेंगे दोनों कंपाउंड में एच को रिमूव करने के बाद उसका कंजुगेट बेस बना लेंगे अब अगर इन कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करें तो इसका ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये तीन रिंग में कंजुगेशन में होगा यानी कि ये तीन रिंग में माइग्रेट करेगा और अगर इसकी आर की बात करें तो इसके कंजुगेट बेस से टोटल टेन आर एस बनेगी जबकि ये वाला नेगेटिव चार्ज जो होगा वो लोकलाइज होगा इसलिए इन दोनों में से इसकी स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा आएगी और इसी कारण से इसकी एसडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी अगेन फर्स्ट लुक में ये एग्जाम्पल हमको बिल्कुल सिंपल लगता है मगर ये अगेन एक्सेप्शनल ऑर्डर है इन दोनों में से हम अगर स्टेबिलिटी को कंपेयर करें तो कभी भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये नहीं आ सकता क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें तो यह परसेंटेज एस करेक्टर देखें वो इससे ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए इन दोनों में से जो स्टेबिलिटी आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी अगर इस कंपाउंड में इसकी कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसके एसिड की एसिडिटी का ऑर्डर भी ये नहीं आएगा और वो भी ये ऑर्डर बिल्कुल टोटली रिवर्स हो जाएगा इस ऑर्डर को हम इसके पी के वैल्यू से भी कंफर्म कर सकते हैं अगर हम ट्राइफिनाइल फिनाइल मिथेन यानी कंपाउंड फर्स्ट की अगर पी के वैल्यू को देखें तो इसकी पी के ए वैल्यू 33 होती है और एल्काइन की जो pka वैल्यू होती है वो 25 होती है और अच्छे एसिड की ka वैल्यू ज्यादा होती है और pka वैल्यू हमेशा कम होती है इसलिए इन दोनों में से एल्काइन ज्यादा स्ट्रांग एसिड होता है तो गाइस आई होप आपने इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय किया होगा और इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ को किस तरह से ka वैल्यू के साथ कोरिलेट करते हैं आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा